हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार आप में से सारे के सारे बच्चे प्लीज मुझे चेक करके बताएंगे, इज द ऑडिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन? चेक कीजिए तो जी। आप में से सारे के सारे बच्चे प्लीज मुझे चेक करके बताएंगे, इज द ऑडिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन? आवाज तो ठीक लग रही है दोस्तों। आवाज तो मुझे सही लग रही है। और अरे सॉरी यार, लैपटॉप में भी चल रहा है। एक सेकंड दोस्तों, इससे तो डिस्टर्ब हो जाओगे। दोस्तों एक बार वो चेक कीजिए, आपको थोड़ा साउंड बेटर लगा क्या? मैंने पुराने पिछले वीडियोस देखे, दो तीन वीडियोस, तो उसमें नॉइज एक आ रही थी, ब्रेथ की आवाज आ रही थी। वो नॉइज के कारण कई बार होता है यार, तो सप्रेस कर दिया वैसे तो। बट अभी देखिए बेटर है क्या? कि माइक थोड़ा दूर करूं, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मुझे तो ठीक लग रहा है। अभी देखिए बेटर है क्या? कि माइक थोड़ा दूर करूं, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, मेरे हिसाब से सही लग रहा है मुझे। बट फिर भी आपको जिसमें कंफी लगे, मतलब एकदम मजा आए, है ना? अपने को पढ़ना नहीं, एकदम गजब टाइप का मजा आना चाहिए, दिखना चाहिए पढ़ाई। क्या बोलते हैं जी? राइट, चले बहुत बढ़िया, मस्त तरीके से, सुपर तरीके से, मदमस्त होके पढ़ना दोस्तों, मदमस्त होके बेहतरीन तरीके से पढ़ना। अभी तो छोटे हो यार, बच्चे हो नहीं आप। जैसे जैसे अपनी लाइफ में बड़े होंगे आप, आपको एक चीज फील होगी इस लाइफ की भागम भाग में ना, कई बार अपन जीने ही भूल जाते हैं। नहीं, थोड़ी सी मैच्योरिटी जब आती है तो हमको रियलाइज होता है कि हर मंजिल की एक पहचान होती है और हर सफर की एक कहानी। तो जब सफर खत्म हो जाए, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, तो कहानी याद रहनी चाहिए। तो मेक श्योर करें दोस्तों कि जो आपकी प्रिपरेशन वाला पार्ट है ना, ये बहुत बेहतरीन हो, आपको मजा आए। बेहतरीन करने का कहने का मतलब हर चीज होना चाहिए उसमें। हम पढ़ाई किए, फ्रस्ट्रेट हुए, मजा आया, कभी बहुत अच्छा पढ़े, कभी बहुत बेकार पढ़े, कभी तैयारी किए तो फिर मस्त पढ़ाई हो रही थी, कभी बहुत ही बेकार पढ़ाई हुई, तो ये सब चीजों को मिला के अनुभव बनता है ना, एक्सपीरियंस बनता है। और इसलिए मैंने कहा आपसे कि हर मंजिल की एक पहचान होती है और हर सफर की एक कहानी। मेक श्योर कीजिएगा कि 2023 की कहानी आपकी बेहतरीन हो। शायद इसी को कहते हैं, एवरी पैशन हैज अ डेस्टिनी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, डियर डेस्टिनी आई एम रेडी नाउ। अपन खुद लिखेंगे अपनी तकदीर, अपने को अपने ऊपर भरोसा दोस्तों, है कि नहीं? क्या बोलते दोस्तों? यहां से डिसाइड कीजिएगा, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द एग्जाम। यहां से लेके मैं अपनी लाइफ में जो भी करूंगा, जितने लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, बस कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। अपन कुछ गजब का क्रिएट कर डालेंगे दोस्तों, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना। वन मैन विद करेज इज एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, वन मैन विद करेज इज एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। आपको किसी की और की जरूरत नहीं पड़ेगी, यकीन मानिए। इसी को बोलते हैं सेल्फ अवेकनिंग। दोस्तों ये रहा अनअकैडमी मेरी प्रोफाइल, यहाँ पे आप चाहें तो देख सकते हैं। ये फॉलो करने का मन करे तो कर लीजिएगा जी। बहुत सारे सेशंस में लेता हूँ जो सभी के लिए फ्रीली अवेलेबल होते हैं, ये वाला कोड यूज कर लीजिएगा, ठीक है? जो अनअकैडमी के स्टूडेंट है बहुत बढ़िया, 2024 का मेरा बैच इसी 19th से आ रहा है, तो आप ये करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सर मैं तो कहीं और पढ़ रहा हूँ, सर मैं तो यूट्यूब में पढ़ रहा हूँ, मैं तो अपने से पढ़ रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप मस्त तरीके से फॉलो कर लीजिएगा। जितने भी सेशन मैं यहाँ पे लेता हूँ आप उसमें भी अटेंड कर सकते हैं, यूट्यूब में पढ़ सकते हैं मजेदार तरीके से। नहीं, क्या बोलते हैं दोस्तों, मस्त तरीके से। कल एक स्पेशल सेशन रखा है दोस्तों, कल रात को 11 बजे मिलूंगा आपसे, इसमें कुछ अपन मैजिकल क्रिएट करेंगे, यकीन मानिए। ये सब मत सोचिएगा दोस्तों कि यार मेरे आसपास के लोग मेरे को ज्यादा अच्छा नहीं मानते सर, ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते ना सर, मेरे को ना आसपास के लोग ऐसा बोलते वैसा बोलते तो फर्क पड़ता है। तो उसमें एक आपको ना छोटे हैं इस बात को समझने के लिए, लेकिन फिर भी आपको आपकी उम्र से पहले इस बात को बताता हूँ। जिस दुनिया में हम हैं ना, इस दुनिया में जिंदा इंसान को गिराने के लिए और मृत इंसान को उठाने के लिए लोगों में ना गजब की एकता रहती है। तो ये सब चक्करों में मत फंसना। A man's legacy is determined by how the story ends. अपनी कहानी को खुद लिखना। क्या बोलते दोस्तों, स्टार्ट करें आज के सेशन? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा whatever it takes। और यहां से स्टार्ट करते हैं आज का जबरदस्त तरीके से आज का सेशन। मदमस्त होके पढ़िएगा, मदमस्त, मस्त नहीं, एकदम मदमस्त होके पढ़िएगा। चले जी आइए। और आपको ये भी प्रॉमिस करता हूं कि अभी गेट का एग्जाम दे लीजिए, इसके बाद आप जो भी एग्जाम देंगे, आपको पता है कि मैं आपको कोई चीज का प्रॉमिस किया तो मैं आखिरी तक के आपके लिए फाइट करूंगा, आप इस बात को जानते हो ना।
तो इसके बाद आप जो भी पेपर देंगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर देंगे या फिर पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्स का पेपर देंगे जेई का, तो अपन लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपसे यूट्यूब में पूछूंगा, डोंट वरी, और मैं उसके हिसाब से आपके लिए क्लास भी लूंगा, ये भी आपको अभी से प्रॉमिस करता हूं। तो आप कहीं पर भी अपने आप को ऐसा अकेला नहीं पाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ये 2023 का जो ईयर रहेगा ना दोस्तों, इसमें अपन कुछ ना कुछ गजब लिखेंगे, मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ। कुछ ना कुछ गजब का होगा हमारी जिंदगी में, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आप ये कभी भी नहीं बोल पाएंगे सौरभ ठाकुर मेरे लिए एफर्ट नहीं दिया, ये मैं आपको पक्के से बोल देता हूँ, ठीक है। मेरे अंदर जितनी जान होगी और मैं जितना एफर्ट दे सकता हूँ, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं उससे भी ज्यादा दूंगा आपके लिए एफर्ट, ठीक है। चलो, ये मेरा प्रॉमिस है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अकेडमी के स्टूडेंट हैं कि कहीं और से पढ़ रहे हैं, खुद से पढ़ रहे यूट्यूब, कुछ नहीं, मेरा काम पढ़ाना है। आई वुड बी फेयर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। चलिए आइए दोस्तों मजेदार तरीके से, ठीक है, चलो आ जाओ दोस्तों। मैंने क्या कहा जाए इसे, आप ये पिछले वीडियो का सेकंड पार्ट है, कंटिन्यूएशन नहीं है, लेकिन पिछला वीडियो जरूर से देखिएगा, स्पेशली जिनका पेपर है सैटरडे संडे को, तो आपको ख्याल होगा। तो मैंने आपसे ये कहा है कि यार ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है, नहीं आपको मैंने कहा ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है बाबू, थोड़ा सा फोकस करना दोस्तों, मजा आएगा। सैटरडे संडे के पहले एप्टीट्यूड का लास्ट सेशन अपना, ठीक है। ज्योमेट्री में मैंने चार फिगर को इंपॉर्टेंट कहा है क्या दोस्तों? हाँ सर, बोले तो हैं। जो पहली बार देख रहे होंगे मुझे, तो भी आराम से पढ़िएगा, आपको मजा आएगा। सर्कल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेगुलर हेक्सागन। सरप्राइजिंगली इन्होंने ये दिया नहीं इस बार, एक बार भी रेगुलर हेक्सागन पता नहीं, सरप्राइजिंगली एक भी क्वेश्चन नहीं दिया, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। याद रखना दोस्तों, रेगुलर हेक्सागन को अगर मैं ऐसे छह टुकड़ों में काटूंगा तो एग्जैक्टली यही बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, तो उसमें परेशान मत होना, ओके। अब दोस्तों क्या होता है, ये चार फिगर ना घूम घूम के आते रहता है। आपने नोटिस किया होगा कि ज्योमेट्री के नाम पे आपके चारों के चारों फिगर्स ही आते हैं। अब स्क्वायर को अगर मैं बीच से लाइन बना दूं तो इसका डायगोनल बन जाएगा। तो स्क्वायर किस तरह से पूछा जाता है, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल मान लेते, मैंने स्क्वायर लिखा ए बी सी डी, फोकस करेंगे दोस्तों, ए बी सी डी, नहीं यार मुझे अच्छी साफ जगह चाहिए, को वैरायटी दिखाऊंगा। तो स्क्वायर है तो चारों साइड्स बराबर होंगे, मतलब ए बी सी डी अगर एक स्क्वायर है जी, तो ये 4 सेंटीमीटर होगा। कमेंट बॉक्स में खटखट एरिया लिखते जाइए, खटखट इसका एरिया लिखते जाइए, तो आप बोलेंगे ए का स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर लिख दीजिए, आंसर लिख दीजिए। अब अगर मैं एक और स्क्वायर दूंगा आपको और ऐसा कर दूंगा बाबू, तो क्या करोगे आप? ये हो गया ए बी सी डी, स्क्वायर में दोनों डायगोनल्स बराबर होते दोस्तों। अब इस बार अगर मैं आपको डायगोनल लिख दूं 4 सेंटीमीटर, तो आप क्या करोगे? सर डायगोनल, डायगोनल जो होता है ना सर, ए रूट टू होता है, फिर ए रूट टू इक्वल टू 4 करेंगे, फिर साइड निकाल। देखो यार, ये जो आप बोल रहे हो ना कि ए रूट टू करूंगा फिर 4 करूंगा फिर ए की वैल्यू आ जाएगी फिर ए स्क्वायर करूंगा, सर गलत है क्या? नहीं गलत नहीं है, गलत तो क्या ही होगा बाबू। देखो ऐसा है, रोम्बस में एरिया निकालते हैं ऐसे, हाफ डीवन, काइट में भी ऐसे होता है। स्क्वायर में क्योंकि दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, तो अपन डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं, हाफ डी का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। तो यहां पे साइड का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 8 लिखे हो गया, हे भगवान, 4 का स्क्वायर 8 लिख दिए भाई साहब, मेरे से नहीं तो भगवान से थोड़ा 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 डरना है अपने को, ऐसा नहीं करना भी। 4 का स्क्वायर आजकल मार्केट में 16 चल रहा है, पहले रहा हुआ 8, आजकल 16 चलता है, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका तो आप इसका बोलोगे दिस 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। गाइस ऑल गुड है, ऑल गुड है, ऑल गुड, गुड गुड ही है। तीसरी चीज जो स्क्वायर में सिंपल वाली चीज जो बोल रहा हूँ, पहले बनती है, एक तो आपका एरिया ऐसे पूछ लिया, एक ऐसे पूछ लिया, एक और, एक दिन की बात है सब, क्या क्या हुआ क्या बताइए, तो मजा आ रहा था जल्दी दोस्तों। एक दिन की बात है, किसी को बोलना मत लेकिन, खराब बात बोल रहा हूँ सर, क्या एक दिन दोस्तों स्क्वायर के साथ अच्छा नहीं हुआ, सीरियसली बोल रहा हूँ। ये बेचारा ना गेट की तैयारी कर रहा था, तो थोड़ा सा थुलथुल हो गया था, देखो आप देख सकते हो, थोड़ा मोटलू हो गया, रोड से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, उसको एक व्यक्ति ने मोटलू बोल दिया, फैट शेमिंग तो ठीक नहीं होता ना, खबरदार किसी ने किया तो दोस्तों इसने ना बहुत डाइट किया, और आप देख सकते हो बेचारा आधा बचा है, इतना सा छोटा सा बचा बेचारा, ये देखो इतना ही सा बचा है, हाफ, तो ऐसे 90 डिग्री 45 डिग्री
इतना ही बचा बेचारा डाइट करने के बाद। तो दोस्तों ये बेचारा कहां पे आता पता, असल क्वेश्चन में आधा ही बच गया ना, तो ऐसे आता है। ये देखो स्क्वायर का बेचारे का आधा हिस्सा इधर है। अच्छा हाँ सही है सही है। और ये बेचारा आप बाकी का आधा, अरे वो इधर आ गया बेचारा, आधा इधर उधर आ गया बेचारे के साथ, गलत हो गया, फैट शेमिंग हो गया। जैसे जैसे पता कैसे, जैसे आईआईटी दिल्ली ने ऐसे पूछा था, आप होते तो बता देते दोस्तों। मैं जान के रखा आईआईटी दिल्ली का सवाल, मुझे पता है अभी 22 का रखूंगा, लेकिन जान के रखा है। मारिए आंसर प्लीज, आंसर मारिए गाइस, खट से आंसर मार दीजिए। चलो 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 लड़कों फोकस करेंगे, काफी वैरायटीयां बता दूंगा आपको आज, आपको बहुत आनंद आ जाएगा, एकदम सुकून आएगा देखना। ठीक है ये रहा, तो सब फिगर बड़ा बनाते हैं जी। चलो ये आपको भी क्या क्या लिखा है, ए ओ बी सी, दिस इज रेडियस। तो यार ये भी तो रेडियस ही है, तो ये क्या हो गया, आर रूट टू, ऐसे ही अगर मन करे निकालने का तो। हाँ क्या क्या पूछा है, ए सी प्लस सी बी, हेरा सो टू टाइम्स ऑफ आर रूट टू डिवाइड बाई ए बी, दैट इज टू टाइम्स ऑफ आर। बहुत बढ़िया रवि बाबू, नाइस द गेमर राहुल, विकेटी विकेटी, मैंने आपका वो पॉइंट पढ़ लिया था लड़के, ब्लड रिलेशनशिप वाला बोल रहे थे ना आप, है ना, वो पॉइंट पढ़ लिया दोस्तों। थोड़ा मेरे साथ पेस रखना ठीक है, ये ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार बोला है, ये सांस चल रही है कि जी, कैसे थके थके लग रहे हो, एकदम थकेली हालत में लग रहे हो, बहुत दिन के बाद खेल रहा हूं ना आजकल तो क्रैम्प आ जा रहा है, हाँ थकेली हालत में लग रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना भाई साहब, 11 से 1:30 बजे का टाइम तो मेरा रहता नहीं, थकना नहीं भाई। तो दोस्तों ये जस्ट कीप एन आई ऑन दिस, ये अभी भी इस बार भी कल परसों के पेपर में ऐसे बेसिक सवाल आपको दिखेंगे। एंड 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 एक और बात, जब रेगुलर, ओए भाग जा भाग जा भाग जा, और अगर जब रेगुलर ज्योमेट्री बोल ही रहा हूँ आपसे, तो रेगुलर ज्योमेट्री में अगर एंगल पूछ लिया जाएगा रेगुलर पॉलीगन में, तो प्लीज डोंट मैस इट अप, प्लीज डोंट मैस इट अप, ठीक है दोस्तों, खराब नहीं करेंगे उसको अपन लोग, क्यों कैसे 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 खराब नहीं करेंगे सर। रेगुलर पॉलीगन में अगर कहीं पर भी इंटरनल एंगल पूछ ले, इंटीरियर एंगल पूछ ले, ऐसे ये रहा इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आपको और मुझको हम सभी को पता है कि ओए 60 डिग्री होता है, 60 बोल के 30 लिख दे रहा था, तो अपन इसको कैसे लिखते हैं इंटीरियर एंगल की वैल्यू, ऐसे ये सही लिखा है दोस्तों, ऑप्शन देते हैं पहले भी बोला हुआ मैंने, हाँ खट से आंसर मार दीजिए, आजकल 60 होता है क्या, ना लैग, ओरिजिनल जोक मारो, मेरा वाला बेकार जोक मार रहे हो प्रदीप बाबू, आंसर मार दो, शाबाश बहुत बढ़िया। जस्ट कीप ना थोड़ा सा पेस इसमें ना, ये मैंने पहले बोला हुआ है ना, एक बार बस ब्रशअप करता हूँ अभी जो है उसे कनेक्ट करता हूँ, ठीक है तो डॉक्यूमेंट करते जाना। अरे अरे यार ब्लैक कलर नहीं चाहिए, सही है दोस्तों इंटीरियर एंगल की वैल्यू, नहीं जी एन क्या है सर यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड्स, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3, तो 3 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, एब्सोल्युटली करेक्ट। और 1, 2, 3 तीनों की तीनों इंटीरियर एंगल का सम निकालना है, तो उसी में नंबर ऑफ साइड्स कर दिए तो एन कैंसिल जाएगा। साथ चल रहे नहीं चल रहे जी, साथ चल रहे कि नहीं चल रहे, साइड बाबू साथ चल रहे, मैंने पिछली क्लास नहीं देखी है, बहुत अच्छा काम किए, बहुत अच्छा काम किए, मुर्गा बन जाओ तुरंत, टेस्टी बनना। और अच्छा आज गुरुवार है ना, पनीर पनीर बन जाओ, पनीर मुर्गा तो नहीं खा पाएंगे आज। दोस्तों समझ में आ गया, समझ आ गया, चलो एक काम करो यार, रेगुलर हेक्सागन, लड़कों पेस मेंटेन रखो ना मेरे साथ, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन में सारे के सारे मतलब इंडिविजुअल इंटीरियर एंगल्स, और उन सारे इंटीरियर एंगल्स का सम निकाल दो, जरा आंसर में निकाल दो ये इंटीरियर एंगल और इसका सम, ऐसे ही पेंटागन में,
मैं तीन लोगों को शाउट आउट देता हूँ, चलो इंटीरियर एंगल्स और इन सभी एंगल्स का सम, मैं तीन लोगों को शाउट आउट देता हूँ, चलो आ जाओ। अभी आया हूं सर, तैयारी हो, बनेगा ना क्वेश्चन हमसे। अच्छा भाई, तो सिर्फ ऐसे देखो दोस्त, सिर्फ ऐसे उम्मीद लेके नहीं आना ना, थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई भी करके आना ना यार, है ना सर? मुझे ना आपसे उम्मीद बहुत है। नहीं वो ठीक है, वो बढ़िया बात है, लेकिन थोड़ा सा अपन खुद भी नहीं पढ़ेंगे जी, थोड़ा तो अपन पढ़ेंगे ना यार, बेसुम्मीद तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया दोस्तों n माइनस टू अपॉन n इंटू 180 डिग्री, क्या बोलते हैं, सही है ना? हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स होते हैं 6, तो हो गया 6 माइनस टू तो हो गया 4। अरे वाह, ये तो बहुत सही है। देखो दोस्तों ठीक लगता है क्या आपको? नाइस। तो रेगुलर हेक्सागन में आप लोगों ने कितना लिखा, 120 डिग्री लिखा, कितना लिखा आपने, बहुत बढ़िया, नाइस नाइस लड़के, नाइस। और इसी को नंबर ऑफ साइड्स मतलब n से मल्टीप्लाई कर दिए, जो n है 6 यहाँ पे, तो आपने क्या देखा यहाँ पे, बेसिकली 4 टाइम्स ऑफ 180, सही है दोस्तों, 720 डिग्री ये रहा। और ये पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स 5 माइनस 2 ये हो गया 3 डिवाइड बाय 5 इनटू 180। गाइस ऑल गुड है, ऑल गुड, गुड गुड गुडी है कि नहीं, गुड गुड गुडी, 108 डिग्री, बहुत बढ़िया लड़को, बहुत ज्यादा बढ़िया लड़को, सही। और सम निकालना है तो नंबर ऑफ साइड्स, गाइस ऑल गुड, पेज पकड़ो लड़को मेरे साथ, पेज पकड़ो, पेज पकड़ लो प्लीज मेरे साथ। गोपाल ने कंप्लीट आंसर नहीं लिखा, तबरेज, ये शंकर लाल गुप्ता, प्रदीप तुमने आंसर पहले लिखा है क्या दोस्त? नगेंद्र कुमार, अमन बाबू हमारे, बढ़िया, नाइस, इज इट ऑल गुड, सही है, फिट एंड फाइन है जी, फिट एंड फाइन। पेंटागन के बड़े भाई का नाम बताओ, पेंटागन का बड़ा भाई भी है क्या सर मार्केट में? तो क्या सोच के रखे भाई, पेंटागन को छोटा आदमी सोचो क्या दोस्तों? पेंटागन को हमको छोटा आदमी सोचना है, पेंटागन का लेकिन बड़ा भाई है भाई साहब, खतरनाक व्यक्ति पेंटागन, खतरनाक, एकदम खतरू आदमी है, देखो मुझे पता आप इससे गंदा स्टार अपनी जिंदगी में नहीं देखे होंगे, लेकिन आज के लिए प्लीज देख लीजिएगा। ऑल गुड, ये पेंटागन का बड्डा भाई, बड्डा। तो आपने मुझे क्या बताया, ये आपने मुझे बोला 108 डिग्री एंड ये सीधी सीधी लाइन है, तो ये 180 डिग्री हो गया। तो मुझे जरा ये एंगल बता दीजिए, इसी तरह से ये 108 है तो ये एंगल बता दीजिए, और इस हिसाब से ये थीटा बता दीजिए। चलिए मैं दो लोगों को शाउट आउट देता हूँ, चलिए फटाफट देंगे दोस्तों, चलो चलो दोस्तों आ जाओ, पैटर्न चेंज करेंगे अपन। अब एक नई चीज देखना, मैं आपको यूट्यूब में पहली बार एक बात आऊंगा, एक बहुत बढ़िया पॉइंट आपको बताऊंगा, दिल खुश रहेगा आपका। चलो 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 लोगों, देखा सही है, 108 डिग्री, बहुत बढ़िया, नाइस नाइस नाइस। तो ये जो थीटा हुआ ना जी, इस पूरे ट्रायंगल का एंगल है दिस, अगर ये 108 ये वाला है, सॉरी एक्चुअली मैंने एरो ऐसा खराब करा है, मैं एरो इधर से बना रहा था दोस्तों ऐसा, ये तो ये एंगल कितना बचा, ये 180 हुआ, तो 180, ताकि सभी को समझ में आए अपन एक लाइन लिखेंगे, ये हो गया 72, ये 72 ऐसे, ये भी 72, नहीं तो ये हो गया दोस्तों 72 + 72, गाइस ऑल गुड है, ऑल गुड है कि नहीं जी, 72 + 72, शंकर लाल गुप्ता बहुत बड़े लिखे, शाबाश। तो ये हो गया 36 डिग्री, वेरी नाइस लड़के, एंड रोहित और रवि बहुत बढ़िया लड़के, नाइस। क्या मैंने कुछ ऐसा यूनिक टाइप की चीज पूछ लिया जो आईटी ने नहीं पूछा है? क्वेश्चन देखो, चलो बढ़िया, मैजिक देखोगे,
मैजिक देखोगे तो कमेंट बॉक्स में लिखो भाई एक बार मैजिक, आपको मैजिक दिखाया जाए, मैजिक देखोगे। दिखाओ मैजिक, आपको दिखाओ, अच्छा लगेगा आपको जादू देख के। रेडी, चलो आजा। इसमें ना यूट्यूब में वाला पॉइंट पहली बार बोल रहा हूं, पहली बार। हट यार, चलो देखो, मिस मत कर, डोंट मैस इट अप, ठीक है, डोंट मैस इट अप। टीडिंग टीडिंग, आप में से किसको लिया जाए, आप में से किसको लिया जाए दोस्तों? ये रहा मुकेश, ये रहा हमारा लड़का मुकेश, और यहां पे हम लोग खड़े हुए मुकेश को देख रहे हैं। ये हम लोग हैं दोस्तों, हम लोग तो पहुंच जाते कहीं भी मजे लेने, तो ऐसा हम लोग मुकेश को देखे, हम लोग आपस में, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। अरे तो वही है ना मुकेश, हाँ अरे तो वही है, कैसे 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 बता देखो, अरे वही तो है, इसको मैं जानता हूँ, इस लड़के को हमने देखा है। सब मुझे कहाँ कहाँ यार, वो मुकेश, मुकेश का नाम सुना है वो पिक्चर में, उसमें एडवर्ट में आता है क्या? तो ये रहा मुकेश बाबू। अब मुकेश बाबू ना यहां से यहां तक पहुंचना चाहते हैं किसी से मिलने, देखना दोस्तों। तो यहाँ पे मुकेश साहब के पास हमारे रास्ता कितना है, कोई मैस कोई खराब नहीं करेगा अभी, सुनना, हमारे मुकेश साहब के पास रास्ता कितना है। ये रहा एक, यहां पे ना दोस्तों मैंने आपको एक लाइन लिख के दिया है, जरा गौर से सुनना क्या, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, गाइस ध्यान सुनना, हमारे मुकेश बाबू सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन वाले पॉइंट को ज्योमेट्री से कनेक्ट करो, गौर से सुनना, ओके okay. हमारे मुकेश बाबू ईस्ट एंड नॉर्थ, दैट्स इट, ओके दोस्तों। इसमें एक अजम्पशन रहता है, ये रास्ता ढूंढने वाली चीजों में एक अजम्पशन होता है, ऐसा नहीं कि मुकेश यहां तक गया, नहीं नहीं मन नहीं कर रहा इधर आ जाता हूँ, फिर इधर से उधर चला जाता हूँ, फिर वापिस आ, सर ये एक रास्ता हुआ, ये तो पागलपन हुआ, इसमें रास्ता कैसे हुआ दोस्तों? जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोग हमेशा शॉर्टेस्ट रूट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, या हमेशा शॉर्टेस्ट रूट के बारे में बात करते हैं कि मैक्सिमम कितने तरीके पहुंचने के। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मुकेश बाबू के पास हमारे कितने तरीके, ये एक तरीका हुआ, अरे दूसरा तरीका हुआ, पहुंच गए मुकेश बाबू। तो यहाँ पे कितने तरीके हुए दोस्तों? दो तरीके हुए, हमारे मुकेश बाबू बहुत मेहनत करके यहाँ पहुंचे एकदम खुश। यहाँ पे देखे तो इनके बड़े भैया थे, कोविड के टाइम पे बाल नहीं कटाए थे, ऐसे बाल लंबे हो गए थे, तो दोनों भाई फिर क्रिकेट खेले। दो तरीके, दो रास्ते हुए, दो टू रास्ते। लेकिन दोस्तों एक बात आप जनरली पूछ रहा हूँ, जनरली बताइएगा, अगर यार मैं ऐसा कर दूं इसकी जगह, ऐसा कर दूं और मुकेश को यहाँ पे रख दूं, और ये रहा मुकेश के बड़े भाई साहब, अब आपको बोलूं तो आप पता कैसे करोगे आप? तो यहाँ पे देखो ना, दो यूनिट डिस्टेंस एक और एक, तो एक रास्ता ये था और एक रास्ता ये था। अब अगर हमारा लड़का सिर्फ ईस्ट और नॉर्थ जा सकता है, गौर से देखना दोस्तों, एक रास्ता ये हुआ, दूसरा रास्ता ये हुआ, तीसरा रास्ता इधर से हुआ, नहीं कौन गिनते रहेगा ऐसे, कौन गिनेगा कौन ऐसे? तो कैसे बोल रहे हैं फिर आप सर? तो आप कैसे बोल रहे हैं सर, अगर आप बोल रहे हैं नहीं गिनेगा तो फिर कैसे? यार एक बात बताओ, अगर मैं आपको कुछ अच्छा सा तरीका बताऊं, मिस नहीं करेगा कोई? और ना याद रखना दोस्तों, कभी नहीं भी लिख के दिया जाए ना, ये बराबर वन यूनिट डिस्टेंस होता है, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो नापते नहीं बैठना उसको, वो सब अजम्पशन रहता है, नहीं भी दिया तो ऐसे लिख के देते हैं सब लोग। अब ऐसे ही सोचो आप, मैं 4x कितना बन गया, 4x4 मैट्रिक्स दे दूं, यहाँ पे हमारे मुकेश बाबू है और यहाँ पे मुकेश के बड़े भाई साहब है, तो यार ऐसे में तो मेहनत लगेगी यार अच्छी खासी अपने को, नहीं तो फिर अपन कैसे करें? ये देखो मैं वो कुछ लिखाता हूँ, देखो
सिंपल सा पॉइंट, हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल का फैक्टोरियल डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल फैक्टोरियल इनटू वर्टिकल फैक्टोरियल. ओके 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 ओके, देखो कैसे यहां से अगर आपको देखेंगे मुकेश बाबू को इधर पहुंचना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई है. नहीं दोस्तों, नहीं दोस्तों, ये रही वर्टिकल लाइन. तो मैंने बोला वन प्लस वन का फैक्टोरियल दैट इज वन फैक्टोरियल इंटू, आगे दो रास्ते, ये रहा दो रास्ते, कहां गया ये रहा दो रास्ते. इज इट ऑल गुड? ऑल गुड है जी, ऑल गुड है दोस्तों, ऑल गुड है. क्या ऑल गुड है दोस्तों? मतलब सर यहां पे आप ये बोल रहे हैं, तो यहां पे देखो ना, यहां से यहां तक जाना है, इनके बीच में कितने का फासला है, तो ये एक और ये रहा दो, दो हॉरिजॉन्टल और एक ही स्टेप ऊपर है ना, ये रहा एक. खराब बताया कुछ? खराब बताया कुछ मैंने? तो बता दो आप, अरे तीन रास्ते ही तो आए थे, एक दो तीन, तीन तो आए थे. सर मुकेश बाबू हमारे यहां पे हैं और यहां पे उनके मित्र हैं. अब इसमें बताइए तो सर, इसमें क्लैरिटी आ जाएगी मुझे. ठीक है, स्टेप्स को गिनना है, एक दो तीन चार, ऊपर तो इसमें पहुंच, चार इधर तक ही, इधर एक दो तीन चार, दैट्स इट. फोर प्लस फोर का फैक्टोरियल कौन गिनेगा भाई, इतने सारे रास्ते, आप मुझे बताओ, मजा नहीं आएगा ऐसे? कैसा लगा दोस्तों, कुछ नया जाने, मजा आया क्या कि नहीं कि बेकार लगा? फोर प्लस फोर का फैक्टोरियल, सभी को मजा आया? फोर प्लस फोर का फैक्टोरियल डिवाइड बाई, सर एक आध अच्छा एग्जाम्पल और बताए, एक और बताया तो उसमें क्या है यार, ये उसमें क्या है, मुझे भी नहीं पता कितनी लाइंस बन रही है, इसे बना देता हूं. ये रहे हमारे मुकेश बाबू, हमारे मुकेश बाबू ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट ओए नॉर्थ, पीछे नहीं होगा हमारे मुकेश बाबू. अच्छा फंडा बताया ना, कि मजेदार नहीं लगा आपको? एक दो तीन चार पांच, हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल का फैक्टोरियल डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल फैक्टोरियल इनटू वर्टिकल फैक्टोरियल. यार देखो ये सब ना कैट वैट में आता है, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, लेकिन ये ना मैंने इसको डाइल्यूट कर दिया आपके एग्जाम के हिसाब से. अच्छा नहीं, रास्ता ढूंढने वाला क्वेश्चन. एक दो तीन चार पाँच तो होगा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एक दो तीन चार, वाह जी वाह, मजा आया कि नहीं? मजा आया जी, मस्त मजा आया कि नहीं? अभी समझ में आ गया निकिता जी आपको? अच्छा इलेवेंथ को पेपर है, डर लग रहा है. हाँ वो तो है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, डर नहीं लगता ना तो प्रॉब्लम है, डर लग रहा है वो तो ठीक है, वो तो चलेगा. नहीं थोड़े भी बड़े ओकेजन के पहले आदमी को डर तो लगता है और लगना भी चाहिए, थोड़ा डर लगता ना तो आदमी का बेस्ट निकल के आता है. ठीक है, तो वो एड्रेनलिन सेक्रेशन जरूरी है ना अपने को, वो तो एड्रेनलिन रश चाहिए अपने को. कैसा लगा पॉइंट, अच्छा लगा आपको? अरे यार लेकिन सर, लेकिन क्या क्या क्या, चलो जाने दो. अरे सर बताइए ना सर, पढ़ा तो ठीक ही रहे आप, एवरेज है, लेकिन सर मतलब चुगली तो अपने को चाहिए रहता सर. ये बात तो ठीक बोले. यार मैं सोच रहा था अगर कोई व्यक्ति हमको एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, अगर कोई व्यक्ति हमको चेसबोर्ड बना के दे दे तो यार, ओए यार दैट्स नॉट बैड एक्चुअली, दैट्स नॉट एट ऑल अ बैड आइडिया. आप चेसबोर्ड में मैं कुछ ज्यादा रंगते नहीं बैठूंगा दोस्तों, थोड़ा समझ जाइएगा. देखो कैसा लगता है, कुछ अलग देखा आपने, अच्छा लगा कि नहीं? ऐसे वो लग रहा है क्या, कुछ बकवास टाइप का लग रहा है कि अच्छा लग रहा है आइडिया आपको, कुछ नई चीज बताया आपको है ना? देखो क्या होता है ना यार, मैं बताने को आपको बहुत सारी चीज दसता हूँ,
लेकिन रेलेवेंट होना चाहिए आपके एग्जाम में। किसी भी चीज का मजा तब है जब ना बोलते हैं ना इस दुनिया में सबसे पावरफुल क्या है, एन आइडिया उस टाइम इज कम। तो आपके एग्जाम में रेलेवेंट मुझे लगता है अब ये हो चुका है, इसलिए मैंने इसको आपको। आप सोचो ये अगर ये चेस बोर्ड है तो थोड़ा फील आ गया ना चेस बोर्ड वाला, मेरे को इसको रंगने का कोई शौक नहीं है, बस आपको फील आया चेस बोर्ड का, बस ये। आप सोचो सर यहाँ पे, सर क्या सोचूं, ये हमारे रवि बाबू हैं, और यहाँ पे कोई खास दोस्त है रवि का, तो यहाँ पे व्यक्ति गाना गा रहे हैं, रवि रवि आजा आजा रवि 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 आजा। रवि बोलो तो जिमी था ना जी, तो जिमू को बुलाऊं क्या, चल भाग जा फिर रवि। नहीं नहीं ठीक है आ रहा हूँ मैं ऐसे गाने का वो बोल रहा था, आ रहा हूँ। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 खराब चीता है दोस्तों, खराब चीता है क्या, हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल का फैक्टोरियल डिवाइड भाई। अरे वाह चेसबोर्ड में रास्ता ढूंढने वाला क्वेश्चन आ गया यार, नहीं चेसबोर्ड में बढ़िया रास्ता ढूंढने वाला क्वेश्चन आ गया, बस ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 कैसा लगा आपको, अच्छा लगा, बढ़िया लगा, सर मेरा ब्रेकअप हो गया है, 12 को एग्जाम है, पढ़ो भाई अब तो पढ़ना चाहिए, नहीं याद आ गया, ठीक है दोस्तों याद आ गया, ठीक है मजा आया आपको देख के, मजा आया नहीं मैं। अब इसी में सोचो सोचो अगर रवि हमको ये बोले कि सर मेरी जिंदगी में जैसे कि एक बच्चा जैसे वो वाली बात बोला, वैसे सोचो अगर रवि यहां पे बैठा है, रवि यहां पे, रवि बोला कि सर बहुत टेंशन चल रहा जिंदगी, बहुत टेंशन में हूं, कैसे 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 इतना टेंशन में कैसे हो सर, बहुत सर पता है क्या, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, बोलो रवि क्या, सर भगवान किसी को इतना खूबसूरत ना बना जितना मेरे को बना दिया, बहुत टेंशन हो गया आजकल, और तारीफ नहीं करोगे अपने बारे में। हम लोग बोले कैसे, चलो ऐसे गलत फहमी क्यों है तुमको, सर अपने पास दो जगह से कॉल है, कौन कौन सी कंपनी से, सर वो छोटे लोग देखते हैं, तो फिर सर अपने को इधर से कॉल है और अपने को इधर से भी कॉल है सर, समझ में नहीं आ रहा किधर जाने का, डर की मनुष्य। तो दोस्तों ये वाली लाइन सुनना, ये वाली लाइन सुनना, यहां पे ना रवि के लिए हम लोगों ने बोला प्रोबेबिलिटी, ओए हम ज्योमेट्री देखे, फिर रास्ता ढूंढने वाला आ गया उसमें स्क्वायर और उसमें आ गए, तो ज्योमेट्री वो भी आ गया, प्रोबेबिलिटी भी आ गया, नहीं खराब बोल रहा हूं, तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि ऐसे कितने रास्ते हैं जो रवि से होते हुए यहां से होते हुए फिर यहां जाए, और उसमें से प्रोबेबिलिटी बताइए रवि के यहां पहुंचने की, खराब आइडिया बोला, खराब बात बोला क्या, तो बताओ कहीं से भी खराब नहीं, वही तो रास्ते गिनना है। तो अगर इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा दोस्तों, ये इसका फेवरेबल इवेंट कैसे बनेगा, यहां से यहां तक गिन दो वैसे, नॉट बैड यार, नहीं देखो ये राइट डब्बा, ओके 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 1 2 3 4 5 अच्छा लगा आपको, मजा लगा, अच्छा लगा दोस्तों, मजा आया आपको, ये इधर देखिए 1 2 3 4 ये रहा आपका सैंपल्स, वो फेवरेबल इवेंट, और सैंपल स्पेस रवि जा रहा यहां से यहां फिर यहां से यहां, वही चीज कर दो बार, अच्छा फील हुआ दोस्तों, पता नहीं आपको, आई डोंट नो मुझे बताना कैसा लगा, मैं तो यार थोड़ा सा ऐसे आपके लिए कनेक्ट करने का प्रयास करता हूँ,
आप अगर फील करोगे तो ज्योमेट्री से अपन डाइव करके इसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट किया। 1, 2, 3 थोड़ा सा हॉच पॉच हो गया। 1, 2, 3, 4 कैसा लगा आइडिया? मजा आया? सबको मजा आया? ठीक है, समझ में आया सभी को? सभी को मजा आया? एक नई चीज देखा सभी लोगों ने कि नहीं? सभी को मजा आया? ठीक है, पैटर्न चेंज करेंगे। मजा आया दोस्तों सभी को कि नहीं? है ना, मजा आया? तो भाई साहब एक तो इमोटिकॉन बनता है यार, एक तो गजब टेक इमोटिकॉन बनता है यार। ठीक है, मजा आया आप सभी को? अच्छा लगा थोड़ा सा? ठीक है, जैसे उस बच्चे ने बोला कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है मेरी लाइफ में। दोस्त आपको एक बात आता हूं, आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट बाहर लाने के लिए, सबसे बेहतरीन बनने के लिए, अपने टाइम को कुछ गजब का क्रिएट, अपने टाइम में कुछ गजब का क्रिएट करने के लिए, सबसे बेहतरीन बनने के लिए आपको सबसे खराब समय से लड़ना पड़ेगा। ऐसे अपने आप नहीं मिलेगा, नहीं अपने आप नहीं होता दोस्तों। सिर्फ टाइम इंसान को सक्सेसफुल नहीं बनाता है, टाइम, उस टाइम पे आप क्या कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। एक बार एक ओलंपिक गोल्ड मेडलियन से पूछा गया कि आप कैसे जीते सर जी ओलंपिक गोल्ड मेडल, उन्होंने ये कहा, बॉक्सिंग में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते, उन्होंने कहा कि यार जब सब लोग प्रैक्टिस करते थे ना, मैं गजब टाइप का प्रैक्टिस करता था, गजब। एक टाइम ऐसा आता था कि जब मैं थक जाता था, आई कांट एबल टू पुल माई सेल्फ, लेकिन फिर भी मैं सोचता था मेरा ओपोनेंट क्या कर रहा होगा, तो मैं सोचता था वो तो ही प्रैक्टिस कर रहा होगा यार, तो मैं और जान लगा के फट करता था। लेकिन एक टाइम ऐसा आता था अब नहीं हो सकता भाई, फिर मैं इमेजिन करता था मेरे ओपोनेंट्स क्या कर रहे होंगे, तो मुझे लगता था कि अब तो वो भी अपने आप को पुल नहीं कर सकते होंगे, और मैं फिर इमेजिन करता था कि वो कर क्या रहे होंगे, तो या तो वो एक हॉट शावर ले रहे होंगे, थक के सो गए होंगे, चूर हो गए होंगे, और मैं दोबारा प्रैक्टिस पे जाता था। दोस्तों जब अर्जेंट है तब तो सभी लोग एफर्ट देते हैं, जब आपको कोई नहीं देख रहा, आपको कोई नहीं जानता, तब आप क्या करते हैं? नहीं, जब कोई नहीं जानता, जब आपका दुनिया में होना नहीं होना कोई फर्क नहीं पड़ता, तब आप क्या करते हैं? Your study table is your paradise. Your study table is your paradise. तो जबरदस्त तरीके से एफर्ट दीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि यार सब कुछ आइडियल हो जाएगा तब मैं एफर्ट दूंगा। किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ कमी चलती रहती है, हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई, ये क्या, ये उपभोक्तावाद जो है ना, कंज्यूमरिज्म, इसने ना दुनिया में अजीब टाइप की फिलोसफी ला दी है। हर इंसान को वो चाहिए जो उसके पास नहीं है, क्योंकि उसने देखा सामने वाले के पास है और मैं देखा हूं कि ये खुश है। कैसे पता चला खुश है? तो इनकी इंस्टा में फोटो देखेगा ना, बहुत ज्यादा लाइक्स है, ये कैसा क्राइटेरिया है? और तू फेसबुक में देखेगा तो बढ़िया दिखते हैं लोग, कैसे टाइप का क्राइटेरिया है यार ये क्राइटेरिया अजीब सा हो गया दोस्तों दुनिया का। हर आदमी को वो चाहिए जो किसी और के पास है, उसमें खुश दिख रहा है। अपनी लड़ाई खुद चूज कीजिए, व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी। बट द पॉइंट इज, मेक श्योर करें जब 2023 जाए ना, तो आपको अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए। साथ चले नहीं चल रहे दोस्तों मेरे? साथ चले नहीं चल रहे दोस्तों? गजब टाइप का है ना। चलिए आइए दोस्तों, एक ना बढ़िया सा सवाल का जवाब दीजिए मुझे। एक मस्त सवाल आया था इस बार, जिसको आप बोलते हैं क्या बताइए, जिसको हम लोग बोलते हैं CID। याद रखिएगा दोस्तों, क्रिटिकल रीजनिंग आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है क्या? क्रिटिकल रीजनिंग आपने लिए इंपॉर्टेंट है क्या? ये है क्वेश्चन आपका 2023 सॉरी। ये मैं 3 लोगों को शाउट आउट देने को रेडी हूं। आपके साल क्वेश्चन मारिए, उठा के पटक दीजिए दोस्तों, उठा के पटक दीजिए। दोस्तों थोड़ा पेस पकड़िए ना प्लीज, उठा के पटक दीजिए। आई एम रेडी टू गिव शाउट आउट टू 3 स्टूडेंट्स। ये आपके इस बार आया हुआ है, स्टूडेंट स्टूडेंट्स होना चाहिए, मेमोरी बेस्ड है, थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल एरर हो सकता है,
Students of all departments of a college who have successfully completed the registration process, they are eligible to vote in the upcoming college election. जिन्होंने अगर नहीं किया सक्सेसफुली तो उसमें देखना पड़ेगा, लेकिन जो सक्सेसफुली कर चुके हैं वो लोग एलिजिबल है. ओके, हाउएवर दोस्तों, क्या मैंने आपको 180 डिग्री वर्ड कभी लिखाया है? नहीं लिखाया है. अब बोल दो नहीं लिखा है, बोल दो भाई, बोल दो क्या ही है, बोल दो. 180 डिग्री वर्ड टोन चेंज करता है, ऐसा बताया कि नहीं बताया? डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, दो, ऑल्दो, बट, येट, हाउएवर, नॉट विदस्टैंडिंग, ऐसा बताया कि नहीं? हर बार आता है यार, हर बार आता है ना. प्लीज डोंट मैस इट अप. हाउएवर, बाय द टाइम द ड्यू डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वॉज ओवर, इट वॉज फाउंड दैट सरप्राइजिंगली नन ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन साइंस. ओ यार क्या कर रहे हैं लोग. None of the student had completed the registration. अगर आपको ख्याल होगा तो मैंने आपको ये सब भी बोला था, all, none, only, just keep an eye. एक बार जरा देखिए जो मैंने सर्कल किया, ये मैं टाइम पास करने के लिए सर्कल नहीं करता रहता, just keep an eye on this. दोस्तों आप में से कुछ स्टूडेंट होंगे जो ना सिर्फ उसको ऐसा पढ़ लेते होंगे, कुछ लोग भले मार्क करते होंगे, कुछ लोग ऐसा पूरे लाइन को रंग देते होंगे. इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे गौर कर लीजिए प्लीज. Had completed the registration. All those students who would not be eligible to vote in the college election would certainly belong to the department of. यार ऐसा नहीं बोल पाएंगे, हो सकता 500 और disciplines हो. हमको पता है कि इसके किसी student ने क्या है, register नहीं किया. हो सकता 500 और discipline के students ने register नहीं किया होगा. साथ चल रहे दोस्तों, क्या हम साथ चल रहे हैं superb type से? तो sorry to say, अरे यार ये तो बहुत आसान कर दिया उन्होंने, तीन में वन आंसर दिया हुआ, तो थर्ड को चेक कर लेता फिर. None of the students from departments other than human science failed to. ये नहीं बोल पाएंगे दोस्तों कि human science के अलावा किसी और department ने fail नहीं हुआ, नहीं बोल पाएंगे. We don't have enough evidence. All the eligible voters would certainly be student who are not. Yes, क्योंकि इसके तो लोगों ने register ही नहीं किया ना. Very nice. D answer. जो कि आप लोगों ने बहुत अच्छा pick किया. Well done. Inspired, despite, ठीक लिखा आपने. Lovely कुमारी जी और क्या है अंजलि शाकिया. एक मिनट सॉरी, अंजलि ने शायद सी लिखा था. वेट ईशा रॉय चौधरी, बढ़िया, नाइस. इज इट ऑल गुड गाइस, मजा आया सभी को? इज इट ऑल गुड सभी को? ठीक है ना दोस्तों, आपको ये हाउएवर वाली बात हम लोगों ने काफी बार बोला, मैंने आपको ये हाउएवर वाले वर्ड पे काफी बार फोकस करने बोला है, और मैंने आपको ये भी बोला है कि सीआईडी गाइस पे फोकस करेंगे. क्या बोला जी, क्या होता है सीआईडी? काफी बार मैं देखता हूँ कई लोग कमेंट करते हैं कि सर सीआईडी मतलब, लिखाया तो था कितने बार यार, कंक्लूजन इन्फरेंस डिडक्शन. लड़कों मैं फिर से आपको प्रॉमिस कर देता हूँ कि गेट के एग्जाम के अलावा अभी जो भी एग्जाम्स आएंगे, मैं आप लोगों से बकायदा कम्युनिटी पोस्ट में पोल वोल सब करवाऊंगा, पूछूंगा आप लोगों से क्या एग्जाम दे रहे हो, क्या एग्जाम नहीं दे रहे हो, तो फिर उसके हिसाब से हम लोग सेशंस रखेंगे. नेक्स्ट वीक से वर्ल्ड अफेयर्स का सेशन फिर से शुरू हो जाएगा, मेरे हिसाब से मोस्ट लाइकली ट्यूसडे को रखा है. वो कैप का सेशन फिर से शुरू हो जाएगा, तो आप में से वो लोग जो अलग अलग कैंपस की तैयारी कर रहे होंगे या फिर अलग अलग काम पीएससीयूज की तैयारी, एचएएल, एचपीसीएल, ये सब जितने भी एग्जाम्स अलग अलग जेईस अपन कवर करेंगे, तो उसमें परेशान मत होना, अभी अपना फोकस गेट पे रखना. ठीक है, आपको पहले बता रहा हूँ ताकि निश्चिंत रहो. सीआईडी कंक्लूजन इन्फ्लुएंस डिडक्शन को बोलते हैं, ठीक है जी, कंक्लूजन इंफ्रेंस डिडक्शन को बोलते हैं, पहले ही मैंने बोला है. सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में ही आता है. मैं आपको फिर से दो लोगों को शाउट आउट दूंगा इस बार, लेकिन ये क्वेश्चन अभी पूछा 2023 में, आ जाओ ध्यान रखना दोस्तों. साइड हट गया मैं, आंसर मार दीजिए, ध्यान रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सीआईडी, स्पेशली वर्बल रीजनिंग इंपॉर्टेंट है जी. मस्त तरीके से आंसर मारे दोस्तों. आई विल गिव शाउट आउट टू पीपल, क्या बोलते हैं, मैं दोनों को शाउट देने को रेडी. व्हेन आई वाज अ किड, जब मैं बच्चा था, आई वाज पार्शियल टू स्टोरीज अबाउट द अदर वर्ल्ड, यहाँ पे कुछ और वर्ड होगा, टू अदर वर्ल्ड्स एंड इंटर प्लेनेटरी ट्रेवल्स. आई यूज टू इमेजिन दैट आई कुड जस्ट गेज ऑफ, मतलब उसमें सोचने लग जाता था, घूमने लग जाता था, गेज ऑफ into space and be whizzed, chala gaya thought process mein, whizzed into another planet. The option can be inferred,
which option can be inferred? It is an adult's memory of what we when he was a child. Good option. Answer mat maro, abhi rehne do. The child in the passage reads story about interplanetary travels. नहीं ऐसे तो when I was a child लिखा तो है तो कहानी पढ़ रहे सबकी जब बच्चा था तब क्यों बता रहा है? It is a child's description of what नहीं 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 जब वो बच्चा था उस time को बता रहा हूँ. It teaches us that the stories are good one. आपने लेकिन notice किया वो काफी आसान question है. काफी आसान question ही है. अंजलि शाकिया और तब्रेज़ well done. आसान लगा दोस्तों आपको सवाल? मजा आया? सुपर टाइप से मजा आया आपको? सर कितना ज्यादा आसान आ रहा सर. कोई कोई कैसे इसको गलत कर सकता है? ऐसा नहीं है भाई. नहीं सर सीरियसली कोई कैसे गलत कर सकता है सर? जिस नजाकत से लहरें समुद्र की लहरें जो होती है जिस नजाकत से लहरें पैरों को छूती हैं यकीन नहीं होता कि इन्होंने कभी कश्तियां भी डुबाई होंगी. तो अभी तो क्या यार आपको ना कोई प्रेशर नहीं है ना. सब क्वेश्चन तो वही रहता ना. क्वेश्चन तो सब वही रहता है लेकिन एग्जाम में जब घड़ी चलती रहती है ना तो आपका रिएक्शन रिस्पॉन्स बदल जाता है दोस्तों. नहीं तो बढ़िया तरीके से मजेदार तरीके से एफर्ट दीजिए. अभी दो चार दिन पांच दिन अभी सारे फोन ऑन साइड रख दीजिए. किसी दोस्त का फोन ऑन आए सब दोस्त नाराज होता है ये है वो है वो सब बाद में देख लेंगे. क्या बोलते हैं दोस्तों? हम अपने अंदाज में मस्त हैं. जरूरी नहीं है सबको पसंद आए. नहीं दोस्तों चलिए जी सारे के सारे बच्चे सुपर तरीके से मजेदार तरीके से रेडी हो जाइए. ये वो टीके वाला बच्चा कहाँ गया? टीके वाला बच्चा कहाँ गया? टीके हो गया? उस बच्चे ने मेरे को दो चार बार बोल दिया सर ब्लड रिलेशन. तो मैं ये बोलना चाहूंगा नालायक. सर नालायक मतलब? नहीं भी और बोल रहा हूँ डफोर चंद. इतने बार बवाल सेशन में मैंने लिया ब्लड रिलेशन लिया ना भाई. यार फोकस भी नहीं करते हो यार. परेशान करके रख देते हो. चलो ले लेता हूँ. तो ये रहा हमारा लड़का टीके. उस बच्चे का क्या इतना मन? टीके के पप्पा टीके की मम्मी. ये देखो टीके ऐसा बोल रहा हूँ. ये तो आपके पप्पा या आपकी मम्मी? आपके पिताजी जो है इकलौती संतान है अपने माता पिता के. देखो आपके पिताजी इकलौती संतान है अपने. चले प्लस माइनस क्या कर रहे हैं आप? यार यूजुअली ना मैं क्या करता हूँ ना जो क्या बोलते हैं उनको मेल है तो प्लस करता हूँ फीमेल है तो माइनस. माँ जो है आपके उनके एक भाई साहब है. ये लो ये देख रहे हो लड़के. यू गॉट मैरिड. ठीक है? नहीं सर खुशी खुशी. कंफ्यूज हो गया था एकदम से ब्लश करने लगा तो भूल गया इमोशन कैसे टाइप का रहता है. मैकेनिकल क्यों गया जी? तो ये यू गॉट मैरिड. आपके छह बच्चे. आपके छह बच्चे ऐसे ही सर फिर आगे. नहीं दोस्तों मैं टीके मुझे ठीक नहीं लग रहा. छह बच्चे नहीं यार ऐसा थोड़ी होता यार. क्वेश्चन बदलो यार बस हो गया. मतलब यार ऐसा नहीं होता भाई. छह बच्चे होते दोस्तों. तो 2022 में सवाल आया था एक फटाक से देख लेते सवाल को. अगर इस बार एकाध सवाल आया तो जस्ट आपको थोड़ा सा रिदम बैठ जाए इसलिए. ये देखो 2022 में एक सवाल आया था मैंने उसी सवाल को ले लिया. कुछ क्रिएटिविटी जीरो क्रिएटिविटी. तीन लोगों में शाउट आउट दे दूंगा. चलो मार दो आंसर. चलो बाबू मारो इसका आंसर. वीकेटी. लड़के समझ गए ना? और इतना ही सिंपल रहने देना दोस्तों. सो प्लीज डोंट मैस इट अप. ये मैं आप ही के लिए रखा क्वेश्चन. आपको इतने बार बोले ना इसलिए रखा. उस बच्चे ने बहुत बार बोला इसलिए. तो ठीक भी है उस बच्चे का पॉइंट. ठीक भी है ऐसा नहीं है. पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू. मैं तीन लोगों को शाउट आउट दे दूंगा. विकेटी तुम्हारा नाम आना चाहिए लड़के याद रखना. पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू. पी जो है वो सिस्टर है. ये रही पी. क्यू के. क्यू इज द हस्बैंड ऑफ आर. That's it. R is the mother of S. T is the husband of P. अब S का तो जेंडर पता नहीं भाई. ना पता रहे. अब किसके अंडर? T का रिलेशन S से. हाँ तो T अंकल है.
इंग्लिश में रिलेशन भी सिंपल सिंपल रहता है जी, थोड़ा सा हिंदी में अपने बहुत सारे रिलेशन रहते हैं ना यार, यार अपने आप तो हर एक रिलेशन को अपन बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कई बार खतरनाक खतरनाक रिलेशन रहता है ना। इंग्लिश में सिंपल है, पूरा खानदान के बच्चे कजिन इधर से उधर तक के, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, और कभी नहीं बोला, कभी कुछ नहीं बोला तो पिताजी की साइड से, कुछ बोल दिया तो माँ के साइड से, माँ के साइड से कैसे बोलेंगे, मैटर्नल ग्रैंड फादर मैटर्नल अंकल ऐसे, तो मामा के बारे में बात करें। हिंदी में तो अपने क्या खतरनाक, चाचा ससुर कौन होता है यार, ये कौन डिकोड करेगा, वो तो अच्छा इंग्लिश में लिखते हैं भाई, चाचा ससुर। तो यार अपने को ना थोड़ा सा हिंदी में तो होता तो कठिन हो जाता भाई, इंग्लिश में तो ठीक है सिंपल रहता ऐसे। नहीं कहाँ के लड़के तुम, धीरज बाबू और किशोर, मैं उसको ही ढूंढ रहा हूँ, विकेटी को, तुम कहाँ हो यार, तुमने आंसर नहीं दिया क्या, राहुल कुमार, चलो ठीक है ठीक है, रवि, मजा आया लड़कों, इज इट ऑल गुड, सही है। दोस्तों मैं आपको ना एक, मैंने डिस्कशन में ना एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज लिया था, प्लीज मेरे साथ फोकस करना, मैं इसमें ना दो तीन चीजें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, देखना आपको मजा आया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप मुझे बता देना। बहुत ही ब्यूटीफुली आपके पेपर में फिबोनाची सीरीज को दिया, राइट, आप ना फिबोनाची सीरीज आपके पेपर में काफी ब्यूटीफुली दिया, फिबोनाची सीरीज बहुत ब्यूटीफुली दिया, राइट, कोई बहुत बड़ी चीज है मेरे, पहले दो टर्म्स को आप डिफाइन करते हो, जरूरी नहीं कि वन हो, कुछ भी हो सकते हैं, मेरी बात सुनना दोस्तों, क्योंकि मैं इसको ना देखो अभी तक ना ये वाली चीज पे मैंने डिस्कशन यूट्यूब में भी ले चुका हूँ और मैं ऐप में भी एक बार लिया सेशन, तो ऐसा और आप भी सुन चुके कई बार, लेकिन मुझे कुछ कनेक्ट करना है, इंपॉर्टेंट सिर्फ सवाल नहीं है। तो क्या होता है कि शुरू के दो, तो फोकस करना इसलिए बोल रहा हूँ, शुरू के दो टर्म्स दोस्तों आप डिफाइन करते हो, तीसरा टर्म इन दोनों का आपने सम किया बन गया थर्ड टर्म, ये रहा टू, इन दोनों का आपने सम किया बन गया थ्री, इन दोनों का आपने सम किया बन गया फाइव, इनका सम किया आपने बन गया एट, इनका सम किया बन गया थर्टीन, राइट, मतलब कुछ नहीं यार, जो तीसरा टर्म है ना, ओ यार जो तीसरा टर्म है ना दोस्तों, वो पिछले दो टर्म्स का सम है, गाइस ऑल गुड है, ऐसे आप चौथा टर्म निकाल लोगे तो उसके पहले के दो टर्म्स का सम होगा, पांचवा टर्म उसके पहले के दो टर्म्स का सम होगा, तो इसलिए अपन लिखते हैं टी आर प्लस टू जो है ना जी, वो है टी आर प्लस वन प्लस टी आर, और फिर यहां पे हम लोग डिफाइन करते हैं कि आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन है, इज इट ऑल गुड, ठीक है, सही है दोस्तों, ऑल गुड है लड़के। सर जैसे एक एग्जांपल हो जाएगा, हाँ हो जाए, और फोकस करना, मैं ना कुछ चीजें कनेक्ट कर दूंगा, आपको बहुत आनंद आएगा मेरी बात सुनना अच्छे से, आपको जनरली बता रहा हूँ, कुछ अलग टाइप की चीज बताऊंगा, पहले आप ये सुन लो, रेगुलर वाला पॉइंट मेरा सुन लो, फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसी फिबोनाची पे अपन थोड़ा सा गौर करते हैं, ये लो, अब ना यार आप कुछ सोचो, लॉजिकली भी सोचोगे तो आपके दो टाइप के सवाल बन सकते होंगे, कैसे आप बोलो कैसे, यार आप खुद सोचो, अगर मैं आपको बोल दूं कि यार टी फोर्थ टर्म जो है ना वो 25 है, मैं आपको बोल दूं दोस्त टी फिफ्थ टर्म जो है ना ये है 48, कुछ भी ऐसे रैंडमली लिख दिया, और मैं आपसे बोलूं कि भाई एक बात आओ ना टी सिक्स एंड टी सेवन्थ ये बता दो, सी दैट मेक सेंस, राइट, आप इन दोनों को ऐड कर दोगे टी फाइव, लिखिए आंसर अपना, लिखिए आप टी फाइव टी फोर, आपका टी सिक्स टर्म आ गया, या तो आगे वाला टर्म आपसे पूछ लूं, अब फिबोनाची तो दे ही रखा, कोई बड़ी बात है नहीं, तो ये हो गया 48 प्लस 25, तो ये कितना हो गया 73, अग्री करते नहीं कर दोस्तों, अग्री करते हैं कि नहीं, सुनते जाना ना कुछ खास बात आएगी ना, कुछ दो चार चीजें एक साथ कनेक्ट होंगी, इसलिए बोल रहा हूँ, फिर आप करोगे कि टी सिक्स प्लस टी फाइव, टी सिक्स है 73, टी फाइव है कितना 48, 110 18 और 121 121, आप खुद लॉजिकली सोचोगे तो ऐसा बन सकता है सवाल, या फिर पीछे की तरफ से सवाल पूछ सकते हैं, इसी सवाल को रिट्रोस्पेक्टिवली पूछ सकते हैं, कैसे, अब मैं आपसे ये बोल दूं कि दोस्त एक काम करो ना आप टी थ्री की वैल्यू निकाल दो, या मैं आपको ये बोल दूं कि टी टू की वैल्यू निकाल दो, तो यार ऑब्वियस सी बात है टी फाइव जो होगा वो होगा टी फोर प्लस टी थ्री, तो टी थ्री क्या है भाई, टी फाइव माइनस टी फोर, इन दोनों का डिफरेंस,
35 और 48 और ये है 23, दोनों को माइनस कर दिए, दोनों को माइनस कर दिए तो ये आ गया 23, 48 माइनस है। ऐसे ही T2 निकालेंगे आप, तो ये आप क्या लिखोगे, T3 और ये रहा T4 का डिफरेंस। T4 कितना है, ये साथ चलने नहीं चाहिए दोस्तों, साथ चलने नहीं चाहिए। तो ये हो गया 25 माइनस 23, तो ये हो गया 2। गाइस ऑल गुड है, ऑल गुड है, ऑल गुड है, गुड 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 गुड। सबसे बेसिक टाइप का फिबोनाची का क्वेश्चन यही बनता है, और यही इस बार आपके एग्जाम में इन्होंने पूछा, विच इज अ गुड मूव। मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, इट वॉज अ गुड मूव। तो फिबोनाची में या तो आगे की तरफ का नंबर पूछ ले या फिर इधर पीछे की तरफ। ऑल गुड है, पहला पैटर्न सबको ठीक है, पहला पैटर्न सभी को ठीक है जी, सभी को ठीक है पहला पैटर्न। तो ये पहले वैरायटी का सवाल हो गया, आपको इसमें और वैरायटी कुछ बताऊंगा मैं। ये तो वो हो गया जो आपके आईटी ने पूछ लिया, राइट, ऑल गुड है। क्या पूछा सर आईटी ने, मार दो इसका आंसर, इसमें आपको मेरी जरूरत नहीं है सर। ये क्वेश्चन मैंने दिखाया था लेकिन इसमें मुझे कुछ बताना है इसलिए मैं इसको रखा हूँ, मुझे कुछ बताना दोस्तों इसमें। मार दीजिए आंसर, आप लोगों ने मेरे मुंह से सवाल सुना होगा बट फिर भी एक बार इसको मार दीजिए आंसर। आई जस्ट नीड समथिंग फ्रॉम दिस, बहुत ही स्पेसिफिक चाहिए। सही है, मिस मत करना, मिस मत करना, बिलीव करो इसको, मिस मत करना। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे तो ये रहा F5 F4 3 2 F1, तो ये हो गया F6 7। यहाँ पे नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सही है दोस्तों, कुछ बहुत टफ तो बात नहीं बोला ना मैंने, कोई बहुत खतरनाक बात तो नहीं बोला, इन दोनों का डिफरेंस आगे बढ़िया से। सो हो गया दोस्तों 60 माइनस 37, 60 माइनस 37 दैट इज 23। इसी तरह सभी का डिफरेंस अपन निकाल सकते हैं कि नहीं, तो ये F6 37 माइनस 23, ऐसे करते करते सभी का डिफरेंस निकाल दीजिए क्योंकि बहुत बड़ी कुछ बात नहीं है इसलिए डायरेक्टली माइनस कर दीजिए मस्त तरीके से। कितनी वैल्यू है सभी का डिफरेंस निकाला आपने, तो इसके डिफरेंस में टाइम पास नहीं करते। इज इट ऑल गुड, सभी क्लियर है? चित्रंजन, चित्रंजन के साथ कौन है, गोपाल एंड VKT, नाइस, बढ़िया लड़कों, बढ़िया। अब इसमें ना सेकेंड वैरायटी पे गौर करना, सेकेंड वैरायटी आपको बता रहा हूँ, तो ना हो सकता है कि इस सैटरडे संडे के पेपर में आगे का नंबर पूछ ले फिबोनाची देके, ठीक है? पैटर्न क्या होता है, काफी कुछ सिमिलर सिमिलर रहता है एग्जाम में, तो फिबोनाची में क्या कर सकता है कि आपको आगे का पैटर्न पूछ ले। ओके, साथ चल रहे सभी लोग, सभी लोग साथ चल रहे, मस्त टाइप साथ चल रहे जी कि नहीं? तो मैंने आपको, सॉरी यार, तो मैंने आपको जो बताया वो ये बताया ना, मैंने आपको बताया टी ऑफ आर प्लस टू प्रीवियस दो टर्म्स का सम, अभी मैंने आपको ये बताया, अग्री करते हैं आप, अग्री तो कर रहे हैं। अब जरा ये देखो, अगर मैं आपको जिस तरह से दूं दोस्तों, तो कैसे, आपकी मुझे पीछे का पूछा था मगर आगे की पूछा, इस तरह से अगर मान लेते मैं इस बार के सैटरडे के पेपर में अगर ऐसे करके देता दूं तो भी कोई खराब बात तो नहीं है मेरे हिसाब से। दिस आल्सो लुक्स नाइस, नॉट एग्जैक्टली फिबोनाची बट यस इज अ गुड पैटर्न, वेरी वेरी पॉपुलर पैटर्न्स, वेरी पॉपुलर पैटर्न्स। साथ चल रहे हैं आप मेरे, क्या होगा क्या यार इसमें, जरा देखते हैं। अब जरा आप सोच के देखिए, फर्स्ट टर्म ऑब्जर्व कीजिएगा सिर्फ, जैसे आपने लिखे फर्स्ट टर्म तो ये हो गया T1, मान लेते इसकी वैल्यू को मैंने कर दिया A, सेकेंड टर्म तो यहाँ लिख दिया 2, मान लेते इसकी वैल्यू को B, ठीक है? तो जब मैंने R की वैल्यू 1 रखा तो ये रहा थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या देखा मैंने B-A, फोर्थ टर्म मैंने, ये बहुत ही पॉपुलर पैटर्न इसलिए ध्यान से सुना,
फोर्थ टर्म बेसिकली क्या है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. ओके, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. थर्ड टर्म क्या है यार, बी माइनस ए माइनस ए माइनस बी, सॉरी माइनस बी माइनस बी. अरे ये तो माइनस ए हो गया, माइनस ए इज बेसिकली नेगेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म. देखो तो ऐसे ही फिफ्थ टर्म देखिए, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म. फोर्थ टर्म क्या है जी, माइनस टाइम्स ऑफ ए. ओह बैड बैड, दो बार ऐसा कंधा लिखूंगा तो आपको मैसेज नहीं. माइनस टाइम्स ऑफ ए. टी थ्री क्या जरा चेक करना दोस्तों, माइनस बी. ओके ओके ओके, माइनस बी मतलब माइनस टाइम्स ऑफ टी टू. गौर कर रहे हैं आप दोस्तों, आप गौर कर रहे हैं दोस्तों, गौर कर रहे हैं आप सभी. इसी तरह से अगर आप टी सिक्स को देखेंगे तो ये हो जाएगा टी फाइव माइनस टी फोर. इसकी वैल्यू निकालेंगे, हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ बी माइनस ए, जो कि है माइनस टी थ्री. आप नोटिस करेंगे टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री अप टू टी सिक्स की वैल्यू है जीरो. इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर पैटर्न. देखा आपने क्या हुआ, आपको मुझे नहीं पता आप फोकस कर रहे हो कि नहीं. मैं आपको अभी अभी इतना देखते इसी में तीन पैटर्न बता दिया, और आपको अभी एक और बताऊंगा. आपको मैंने बोला फिबोनाची दिया हुआ है, तो फिबोनाची दिया तो आगे का नंबर पूछ ले, पीछे का नंबर पूछ ले, राइट. और अगर फिबोनाची के स्टाइल में चेंज करके यहाँ पे नेगेटिव कर दूं, अब क्या ऑब्जर्व किया आपने, पिछले दो टर्म्स का सम फिबोनाची, पिछले दो टर्म्स का डिफरेंस अनफिबोनाची. ऐसा कुछ होता नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ मस्ती करने के लिए. जो नेगेटिव आता उसमें आपने ये देखा, मैंने पहले टर्म को ए लिया, ऐसे डिफाइन कर दिया ए, इसको बी डिफाइन किया, थर्ड टर्म अपने आप आ गया इसका डिफरेंस. फोर्थ टर्म आप क्या देखते हो, नेगेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, ये देखो. फिफ्थ टर्म जो आप देखते हो क्या देखते हो, नेगेटिव ऑफ सेकंड टर्म, ये देखो. सिक्स्थ टर्म आप जो देखते हो, नेगेटिव ऑफ थर्ड टर्म. हर छह टर्म्स को आप ऐड कर रहे हो तो सम कितना आ रहा, जीरो. मजा आया आपको, मजा आया आपको. हर छह टर्म्स को आप सम कर रहे हो तो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है. जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन गाइस, अगर मैं यही आपको डिफाइन करके दे दूं इस तरह सवाल कि भाई साहब टी आर प्लस टू जो है ना वो है टी आर प्लस वन माइनस टी आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर, ये रहा. और अब इसका छोटी छोटी चीजें देखो, मैं आपको बोलूं सुनो यार टी टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री अप टू टी ट्वेंटी इसकी वैल्यू निकालिए, सच दैट फर्स्ट टर्म जो है सेकेंड टर्म जो है, सच दैट. जरा गौर से देखना, फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 10, सेकेंड टर्म की वैल्यू है 20, दैट्स इट. तो भाई साहब हर छे छे टर्म्स की वैल्यू हो जा रही है जीरो, जैसे कि टी वन से लेके टी सिक्स तक की वैल्यू जीरो, जैसे टी सेवन से लेके टी ट्वेल्व तक की वैल्यू जीरो, जैसे टी थर्टीन से लेके टी एटीन तक की वैल्यू जीरो. वॉट इज दैट दैट वी आर लेफ्ट विथ, टी नाइनटीन प्लस टी ट्वेंटी, दिस इज एज गुड एज टी वन, दिस इज एज गुड एज टी टू. ये रहा आंसर, 10 प्लस 20 30 आंसर आ चुका है बोर्ड. मजा आया आपको देख के, प्लस प्लस 30 माइनस नहीं, मजा आया आपको देख के क्वेश्चन की नहीं, अच्छा लगा, कुछ अलग लगा आपको, नहीं लगा अच्छा जी. इसी में खेल गया भाई, इसी में खेल गया. तो ये हो गया 10 प्लस 20, कितना खूंखार दिखा था भाई साहब ये क्वेश्चन तो, और आंसर हो गया 30. ऑल गुड है जी, ऑल गुड है, मस्त लगा कि नहीं, मजा आया कि नहीं. मजा आया दोस्तों, सीरियसली पूछ रहा हूं यार, ऐसे टाइम पास करने के लिए नहीं पूछ रहा हूं, मजा आया आपको. सही, रेडी, आपको मजा आया तो फिर कुछ पूछूं आपसे. ऑल गुड है, ऑल गुड, गुड गुडी. तो फिर ये ना, इसको ख्याल रखना ये सब चीजों को ना. तो कुल मिला के मैंने आपको टेका भी क्या बताया, फिबोनाची बताया, फिबोनाची आगे और पीछे की सीरीज, और नेगेटिव में अगर दिया वो वाली चीज बनेगी, राइट. तो जस्ट कीप एन आई ऑन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. अच्छे पैटर्न्स है दोस्तों, ये सब बढ़िया पैटर्न्स है, ठीक है, ये सब बढ़िया पैटर्न्स है. अच्छा यार, एक ऐसी, आई डोंट नो क्या बोलना चाहिए इसको, एक ऐसी छोटी सी बात बोल रहा हूँ, देखो तो आपको ठीक लगती. तो यार एक कॉइन लिया मैंने, देखो कॉइन लेते हैं, बहुत सारे कॉइन्स है इधर मेरे पास, बहुत सारे.
थोड़ा सा ऐसा बड़े टाइप के लेता हूँ, आपको दिखेगा तो वैसे भी नहीं फील आएगा, बस दो ही एक्चुअली। देखिए मैंने एक कॉइन लिया, टिंग से ऐसा उछाला, चाहे तो हेड या तो टेल, सुनते हैं ना, टिंग से उछाला तो क्या आया, हेड या फिर टेल। मैंने एक कॉइन को दो बार उछाला या दो कॉइन को एक साथ, एक ही बात है ना, कोई बड़ी बात नहीं। तो अरे सर बच्चों वाली चीज बोल रहे हैं आप, हेड हेड आ जाएगा, हेड टेल आ जाएगा, टेल हेड आ जाएगा, टेल टेल आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सुनना राइट, सुनना। तीन होते तो ऐसा आता सर, दो हेड एक टेल, देखना देखना कुछ पढ़ाना थोड़ी बोलते हैं यार, ऐसे कौन पढ़ाएगा, अपन तो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। सर अब चार का भी लिखने बैठ जाइए, नहीं इसकी जरूरत नहीं, ऐसे ही तक काफी। अब ऐसे ही मैं तो ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूं दोस्तों, ऐसे ही ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, वो ये बोल रहा हूं क्या बताइए कि दो कॉन्जिक्यूटिव हेड ना हो, ऐसा कितने केस है, देखिए तो क्या बोले सर आप, दो कॉन्जिक्यूटिव हेड नहीं है, ऑब्जर्व पढ़ा नहीं रहा हूं कुछ, ऐसे ऑब्जर्व करने बोल रहा हूं, दो कॉन्जिक्यूटिव हेड नहीं है यार, बस इतने पूछ रहा हूं। तो यहां पे तो या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, नहीं दो कॉन्जिक्यूटिव हेड नहीं है नहीं दोस्तों। तो यहां पे देखिएगा दो कॉन्जिक्यूटिव हेड ये रहे, हटा दिया इसको, यहां पे दो कॉन्जिक्यूटिव हेड यहां पे भी है, ये दो कॉन्जिक्यूटिव, हाँ ये भी है, ये भी है, दैट्स इट, नहीं हाँ ठीक है, और कोई है क्या, नहीं बस हो गया, दो कॉन्जिक्यूटिव हेड ही है। देखो दोस्तों देखो तो कोई बहुत बड़ी चीज लिखा क्या मैंने, कोई बहुत बड़ी चीज लिखा क्या नहीं सर, लेकिन इसे क्या हुआ क्या मैं ये नहीं समझा, देख लेते हैं ना क्या हुआ, दो कॉन्जिक्यूटिव हेड नहीं है, मैं बस ये बोला ठीक है दोस्तों। जरा मेरे ये लैंग्वेज सुनना यार, जब मैंने एक कॉइन फेंका ना तो या तो हेड आ सकता था या तो टेल आ सकता था, ठीक है, तो यहां पे मेरे पास दो केसेस बचे, दो केस थे, यहां पे मेरे पास चार केस था, फिर मैंने बोला यार कोई भी कॉन्सिक्यूटिव हेड नहीं आना चाहिए, तो कितने केस थे, एक दो तीन, ओके सुनते जाना, तीन कॉइन फेंका, ये था एक कॉइन या दो, एक कॉइन दो कॉइन या फिर एक कॉइन दो बार या तीन कॉइन का केस, देखना जी दो कॉन्सिक्यूटिव हेड नहीं चाहिए ना यार, ठीक है ना, एक दो तीन चार पांच, ओके ओके ठीक है सर, क्या अब वो टाइम पास कर रहे थे, नहीं देखे मैजिक, नहीं देखे क्या हुआ मैजिक, दो कॉन्सिक्यूटिव हेड नहीं आना चाहिए, दो तीन पांच, सर मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, चार कॉइन फेंकता तो क्या होता, आठ, दो कॉन्सिक्यूटिव हेड नहीं आने चाहिए, पांच कॉइन फेंकता तो क्या होता, या एक कॉइन पांच बार फेंकता तो क्या होता, दो कॉन्सिक्यूटिव हेड नहीं आने चाहिए, भाई साहब आपने नोटिस किया कि नहीं, फिबोनाकी कैसा लगा पॉइंट, प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया फिबोनाची को, कि भाई साहब एक दो तीन चार पांच, पांच कॉइंस आपने फेंका है, एक कॉइन पांच बार फेंका, दो कॉन्सिक्यूटिव हेड नहीं आने चाहिए, टू टू द पावर ऑफ फाइव और एरा 13, आंसर आ चुका है, गेम खत्म, क्या बोलते हैं, मजा आया नहीं मजा आया जी, मजा आया नहीं मजा आया, है ना मजा आया ना आपको, मजा आया आपको, देखिए कुछ अलग लगा आपको, फिबोनाची इधर आ गया यार, पूरा अपना जोन ही चेंज हो गया फिबोनाची का, नहीं
अब आप सोच के देखो ना, दो कॉन्सिक्यूटिव हेड नहीं आने चाहिए। तो पहले वाले में हम लोगों ने देखा ऐसे दो केसेस है, दूसरे में देखा तीन केसेस है, तीसरे में 2+3=5, फिर नेक्स्ट वाले में आपने देखा 5+3=8, फिर आपने, अब आप सोचो ये रहा 21। अगर मैं आपको बोल दूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर आपने 6 कॉइंस फेंका है तो ये रहा सैंपल स्पेस, दो कॉन्सिक्यूटिव हेड नहीं आना चाहिए, रहा 21 वाले केस, ये रहा 7 कॉइन फेंका है, ये रहा सैंपल स्पेस, दो कॉन्सिक्यूटिव हेड नहीं आना चाहिए, 34। अच्छा पॉइंट नहीं बता दोस्तों, मजा नहीं आया आपको, ऑल गुड। यार मैं बस ये बता रहा था फिबोनाची कहां तक जा सकता है, मैं आपको इससे भी और अच्छे क्वेश्चन करा सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा फिर ज्यादा टफ हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है निकिता जी, अभी समझ गए आप? मैडम आप समझ गए अभी? तो कुछ नहीं है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा था, कभी किसी दिन आपको फूलों ऐसा फूल जो होते हैं ना उसके भी बताऊंगा, उसमें भी फिबोनाची वैलिड होता है, जो पेटल्स होते हैं ना उसमें फिबोनाची वैलिड होता है, तो कभी अपन आपके साथ वो देखूंगा, है ना। तो इसमें ना एक लाइन लिख के रखिए, दो कॉन्सिक्यूटिव हेड्स नहीं होना चाहिए। तो बस कुछ नहीं, ऐसे लिख के आपको दिखा रहा था कि देखो दो केसेस है, फिर तीन है, फिर पांच है, तो इसमें भी फिबोनाची वैलिड होता है। जस्ट कीप एन आई ऑन दिस, ये सब छोटी छोटी चीजें ना, मतलब जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है ना वो ख्याल रखता है, अच्छा ऐसा हुआ है, अच्छा ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा। ठीक है, मैं कुछ आपके साथ थोड़े से अलग टाइप के सवाल देखना चाहता हूँ, और भी अपन देख सकते हैं, लेकिन इतना काफी है। यार इसका आंसर दे दो ना, इसका आंसर दे दो। देखो यार क्या होता है, डेमोक्रेसी के चार स्तंभ होते हैं। पहला, जहां पे कानून को लिखा जाता है, बनाया जाता है, पार्लियामेंट जिसको आप बोलते हो, तो उसको अपन बोलते हैं लेजिस्लेचर। दूसरे, जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन होता है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स होते हैं, जो उसको फॉलो करवाते हैं, वो है एग्जीक्यूटिव बॉडी कहलाते हैं वो। जुडिशियरी वो होती है दोस्तों जो बने हुए कानून पे फैसला देती है, और मीडिया वो होती है जो इन सारी की सारी चीजों को सभी लोगों के सामने लाती है। तो ये चार स्तंभ होते हैं डेमोक्रेसी के। तो पार्लियामेंट वहां वो जहां पे कानून बन रहा है, कोर्ट जहां पे जुडिशियरी इसको आप बोलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, इट वाज अ गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये आपके चितरंजन बाबू हो गए, तबरेज हो गया, विवेक हो गया, देन तरुण, बढ़िया, नाइस गाइस, मजा आया सभी को, इज इट ऑल गुड। एक आपको ना दोस्तों मैं थोड़ा वो बता देता हूँ कि इस हफ्ते आप एक चीज और एक्सपेक्ट कर सकते हो, पता है क्या दोस्तों? पैरा जंबल। आपको लगे ओए पैरा जंबल बोल रहे जरा, और आपको एक बढ़िया हैक बताता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। पैरा जंबल एक ना एक एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इस हफ्ते, जस्ट कीप एन आई ऑन दिस जो आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, वो क्या है, जैसे तालाब का पानी होता है ना, तालाब का पानी जो भी पानी स्थिर है, स्टैग्नेंट वाटर, मेरी बात सुनना, दो पॉइंट बोलूंगा, जस्ट फोकस ऑन दिस। तालाब का पानी है, आपने कंकड़ दिया, टुपुक से फेंका उसमें, तो ऐसे रिपल्स आएंगे, वेव्स आएंगे उसमें, धीरे धीरे छोटे छोटे बट आएंगे ऐसे। तो बस आपको पैरा जंबल में ना, पैरा जंबल बहुत सारी वैरायटी का होता है, चार स्टेटमेंट दे दिए, इधर उधर लिख के दे दिए, चारों को अरेंज करना है, पांच स्टेटमेंट दे दिए, पहला स्टेटमेंट फिक्स है, बाकी चार को आपको अरेंज करना है, पहला और छह स्टेटमेंट दे दिए, पहला लास्ट फिक्स है, चार को अरेंज करना है। बहुत सारी वैरायटी होती है, आपके एग्जाम में अभी शुरू हो गया, सिंपल सिंपल आ रहा है इसलिए, और अभी सिंपल आएगा। ठीक है, तो तालाब के पानी पे आपने कंकड़ फेंका, तो कंकड़ से, कंकड़ ने क्या किया, रिपल क्रिएट किया, तो धीरे धीरे ऐसे वेव्स आ रही है। बस पैरा जंबल में यही करना होता है। मतलब सर यार, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट को पकड़े हुए धीरे धीरे वहां से बाहर आइए, दैट्स इट मैन, दैट्स इट। ओके, एक आध एग्जाम्पल देंगे क्या सर? देते हैं। लियोनाइडस वॉज अ ग्रेट किंग, एक्सक्यूज मी, लियोनाइडस वॉज अ ग्रेट किंग। यार ग्रीक्स लोगों की फिलोसफी ना और हमारी फिलोसफी, हमारे इंडिया की फिलोसफी बहुत सिमिलर है, बहुत ज्यादा, बहुत। अभी आपने देखा टर्की में कितना अनफॉर्चुनेट भूकंप आया, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। नहीं, भगवान करे सिचुएशन वहां पे बढ़िया, जल्दी से नॉर्मल हो। यार क्या होता है ना कि जियोपॉलिटिकली कौन दोस्त है कौन दुश्मन है वो सब सेकेंडरी है, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ह्यूमन लाइफ है, रिगार्डलेस। इसलिए आप देखेंगे ना, तो कभी भगवान ना करे लेकिन पाकिस्तान में कुछ होता है, आसपास के नेबरिंग कंट्रीज में, इंडिया इमीडिएट एनडीआरएफ के लोग वहाँ पे मिलेंगे, इंडियन मिलिट्री के लोग मिलेंगे, तुरंत मिलेंगे इंडिया, ऐसे सब सारे के सारे देश एक दूसरे के करते हैं, और करना भी चाहिए, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भगवान करे सिचुएशन नॉर्मल हो, जल्दी ठीक हो थोड़ा, लेकिन मैसिव है वो, ये मैसिव है दोस्तों ये सब। तो खैर मैं जो बताना चाह रहा था वो ये बोल रहा था, हाँ, तो लियोनाइडस वॉज अ ग्रेट किंग।
उसके बाद मैंने क्या बोला आपको, एंड ही वॉज अ वेरी ग्रेट किंग, ठीक है, एंड ही वॉज अ वेरी लेट सपोज ही वॉज अ वेरी करेजियस मैन एज वेल, ऐसे बोल दिया. सो लियोनाइडस संज्ञा है और ही सर्वनाम प्रोनाउन, तो संज्ञा के बाद ही सर्वनाम आएगा ना. तो लियोनाइडस के बारे में बात हो रही है, एंड ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर या ही वॉज अ वेरी सेक्रीफाइसिंग मैन, ऐसा कुछ लिखा. तो आप संज्ञा पकड़ो और उसे बाहर निकलो, पहली चीज. दूसरा पॉइंट सुनो, आपको जब चार ऑप्शन दिए, चार स्टेटमेंट दिए जाना है दोस्तों, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसा जब चार दिया है ना, तो सिर्फ और सिर्फ दो में लिंक्स बनाने का प्रयास करो, कोई भी दो. और इसलिए जो एक स्टेटमेंट खत्म हो रहा है और जो दूसरा स्टेटमेंट शुरू हो रहा है, इसमें देखना कुछ ना कुछ कनेक्ट आपको मिलता है, ठीक है दोस्तों. चारों को अरेंज करने का प्रयास मत करो, दो दो को लिंक बनाओ, आप देखना दो को कनेक्ट करना आपको ज्यादा आसान होगा और उसके हिसाब से ऑप्शन को देखना. इज इट ऑल गुड, सही है, इज इट ऑल गुड गाइस, सभी लोग ठीक है, सभी लोग ठीक है, सभी लोग ठीक है, सभी लोग ठीक है दोस्तों. चले यार, अपना बाहर जब मैं आपको रियली बताता हूँ, मैं इतने सारे लोगों से इंटरेक्ट करता रहता हूँ ना, इंडियंस की इमेज बाहर बहुत अच्छी है, जनरली आपको बता, शांत लोग हैं अपन, ऐसे हुड़दंग नहीं करते ना, शांत लोग अपन, अपन ऐसा पीट दिए पाट दिए ऐसा कुछ वो सब नहीं करते अपन, ईमानदारी से अपन काम करते हैं, टैक्स पे करते हैं, नहीं तो सही सही रखता है. हम चाहते हैं कि इंटेलेक्चुअली आदमी अच्छा होना चाहिए. तो एक बहुत ही फाइन लाइन होती है ना, एक बहुत ही फाइन लाइन होती है किसी का रेस्पेक्ट करने की. और ये क्या है ना, आप रेस्पेक्ट करें आज्ञा, मतलब किसी की बात माने, दैट्स ठीक, मेंटली गुलाम नहीं होना है. मैंने आपको एक चीज हमेशा बोला, बी हैप्पी रिबेल, इफ यू डोंट अग्री विद समवन देयर इज अ वेरी वेरी पोलाइट वे ऑफ सेइंग दैट, आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट, बट द वेरी सेम टाइम as far as what I believe, this can also be a, this can be a probable solution. This is a very polite way of saying that. अब देखिए, this इसलिए ना इंडिया की डिप्लोमेसी को लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं. टाइम याद रखा जाएगा, जयशंकर साहब, रुचिर खम्बो साहिब, बागची साहब. दोस्तों मैं आपको इसमें क्या, इसी साल का सवाल है अभी 2023 का, मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको जो मैंने कहा ना, आप वो करना अभी इसमें लिंक ना सिर्फ दो में ढूंढना, जस्ट ट्राई इट आउट. अभी इस बार आया था मारिए, तो सर फॉरेन गर्ल्स भी इंडियन बॉयज को ज्यादा ही लाइक, तुम अपने बबल में जीते रहो भाई. वीकेटी ठरकी मनुष्य, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि बहुत सारे बाहर के लोग तुम्हारा तुम्हारा पोस्टर वोस्टर लगा के रखे कमरे में, विकेटी, ऐसा तो नहीं सोच रहे हो. गेट की तैयारी में फोकस करो जी. विच ऑफ द सेंटेंस, विच ऑफ द सेंटेंस सीक्वेंस द फॉलोइंग ऑप्शन creates a coherent narrative. ये कुछ खतरनाक जो लिखा है ना, coherent narrative का मतलब it should make some sense. That's what they have written, right? ये लिखा है ना कि एक sense बनना चाहिए. चलो. I could not bring myself to knock. There was a number of unfamiliar voices coming from the big drawing room and the room was firmly shut. क्या डरावना पे? कौन देता है यार ऐसे? अच्छा वो दिन में पेपर होता, रात को डर लग जाता है. रात को देते तो डर तो लगता. वो पिक्चर देखियो यार, वो क्या बोलते हैं वो रिंग ग्रज, उसमें वो याद है, वो एक वो चुड़ैल को नहीं दिखाता यार, कोई भी वो होता भाई डरता ही है, बस वो सामने जो बाल करके बैठे रहते हैं, रात हो गया नहीं बोलता जाता है तो डरोगे फल. यार कुछ भी बोलो, कोई कितना भी बहादुर हो डरता तो है. मैं जानता हूँ विकेटी को बोलते तो मेरी बात काटने को बोलेगा कि इंसान मेरे को तो डर नहीं लगता. विकेटी पजामा गीले होने को डर लगना ही बोलते हैं. सर वो तो चेंज करना ही था मेरे को. आई डू नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू नॉक. देर वॉज अ नंबर ऑफ अनफेमिलियर वॉइसेस कमिंग फ्रॉम द बिग ड्रॉइंग रूम एंड द डोर वॉज फॉर्मली शट. द पैसेज वॉज डार्क. ओके ओके ओके. बट देन
it suddenly opened into a bright kitchen. Okay. I decided I would rather wander down the passage. बढ़िया क्वेश्चन. आप लोग आंसर में देख नहीं पाया, सॉरी. बी लिखा है, किसने लिखा है? तानिया जी ने. तानिया जी, रवि, रवि सिंह. एड लड़का पिक किया 3-4. बहुत बढ़िया. द पैसेज वॉज डार्क, डार्क अ बिट, देन इट सडनली ओपन इन टू अ ब्राइट किचन. और उसके बाद आई हैव डिसाइडेड. दोस्तों अगर आप देखोगे ना तो ये आपको 4 और 3 बहुत मस्त दिख रहा होगा. नहीं, आई हैव डिसाइडेड आई वुड रादर वॉन्डर डाउन द पैसेज. एंड जैसे डाउन द पैसेज था तो क्या हुआ? द पैसेज वॉज, ये देखो आपको जो मैंने बोला, आपने उस चीज को नोटिस किया कि नहीं? नहीं किया क्या? अगर किया हो तो देखना. द पैसेज वॉज दिस. देखो द पैसेज के बारे में विशेषण. हाँ, ये अच्छा पॉइंट था. ये वाला पॉइंट ठीक है यार, कि 4 के 4 एंड 3 नॉट अ बैड पॉइंट. 4-3 4-3 एक बार इसको चेक कर लेते सेकंड. ये ठीक बताया ना कि नहीं? अंशुल, लॉट्स ऑफ लव लड़के, खुश रहो दोस्त. ठीक है, अब एक बार इसको भी, दोनों को दे, इसको भूल जाए. I could not bring myself to knock. There was a number of unfamiliar voices coming from the big drawing room and the door was firmly shut. So, here. Nice. All good? All good hai ladko? All good hai? Sahi hai? Ek baat bolun kya? आप लोग जानते हो कि आपका मेरा बॉन्ड अलग टाइप का. एक बात बोल रहा हूँ, इसके लिए आप मुझे गाली भी दे सकते हो, मैं जानता हूँ. दोस्तों आज सोने जाने के पहले एक बार लाइट बंद करके बेड के नीचे देखेंगे क्या? देखना तो कोई है क्या उसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ठीक है, रेडी? यार देखिए, इसके अलावा ना सिलोजिज्म, यार देखो सिलोजिज्म इस सैटरडे संडे को आ सकता है, क्योंकि अभी ना इस बार दिया नहीं यार अभी तक के. ठीक है, इस सैटरडे संडे को आपको सिलोजिज्म मिल सकता है. भाई साहब आपको मैं एक बात बोलता हूँ कि सिलोजिज्म में ना मैंने 2-4 वर्ड्स बोले. लड़कों थोड़ा फोकस करना, मुझे एक जगह पहुंचना है यार आपके. एक मुझे घड़ी का एक सवाल कराना है, अगर इस जरूरत पड़ेगी तो मैं जंप करूंगा. ठीक है, इसके बाद मुझे घड़ी का एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको कराना है, वो इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, तो इस हफ्ते के लिए. सिलोजिज्म में यार देखो क्या होता है, हमेशा यूनिक सोल्यूशन अपन देखते हैं, राइट? यूनिक सोल्यूशन देखते हैं, यूनिक सोल्यूशन, एंड दैट इज वाई वी ऑलवेज गो फॉर एटलीस्ट वाला केस. नहीं, सम ए आर बी, सम ए आर बी, इसका मतलब यह है कि एटलीस्ट ए का एक एलिमेंट तो बी जरूर है. ज्यादा से ज्यादा हो सकता है पूरा ए ही बी हो जाए, लेकिन सम ए आर बी का मतलब यह है कि कम से कम एक एलिमेंट ए का ऐसा जरूर है जो बी है. रेडी है दोस्तों? सही है. सम ए आर नॉट बी, ए का कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा जरूर है. इस फोकस करना, ए का ऐसा एलिमेंट, एक एलिमेंट तो ऐसा जरूर है जो बी नहीं है. मैक्सिमम क्या हो सकता है? कोई भी ए बी ना हो. तो बस ये 4 सिनोनिम्स का खेल होता है दोस्तों. इफ अगर आप लॉजिकली भी सोचें तो या तो सम ए, कम से कम एक एलिमेंट ए का बी होगा, या तो फिर एक भी नहीं होगा. इसलिए दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े कॉम्प्लीमेंट बनते हैं. आपने सुना दोस्तों, मैंने काफी सारी चीजें बोल दिया. मैंने बोला सिलोजिज्म में यू ऑलवेज गो फॉर यूनिक सोल्यूशन, और आपको यूनिक सोल्यूशन चाहिए, इसलिए हमेशा एटलीस्ट वाले केस को आप बनाते हो. सम ए इज और आर बी का मतलब एटलीस्ट ए का एक एलिमेंट जो है वो बी है. ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? सारा का सारा ए बी हो सकता है. यहां पे इसका मतलब ये है कि सम ए इज नॉट बी, एक भी एलिमेंट जो है वो, कम से कम एक एलिमेंट ऐसे जो बी नहीं है. नो ए इज बी, और ये दोनों एक दूसरे के बहुत बढ़िया कॉम्प्लीमेंट बनते हैं. ठीक है, इतना इसमें काफी है. 2022 में सवाल आया था, इसको ऐसे आंसर मार दो, बन आगे बढ़ते. फिर 2022 में एक सवाल आया था, मार दो इसको. पिछले साल का आपके एक रिविजन के लिए बस मैंने दे रखा है सवाल, इसका आंसर मार दो. और अगर सम और नन नहीं है तब आप मारते हो ऑल को, ऑल एंड नन. चलो दोस्तों मस्त से आप बता दो पहले यहां तक.
Is it all good? All good, 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 good. सही है ना? अच्छा पॉइंट है. ऑल स्टूडेंट्स आर इनक्विजिटिव. ऑल स्टूडेंट्स आर इनक्विजिटिव. सम स्टूडेंट्स, नो स्टूडेंट इज इनक्विजिटिव. मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा था यार, जनरली आपको बता रहा हूँ. सम स्टूडेंट्स आर नॉट इनक्विजिटिव. ये इनक्विजिटिव का सरल कुछ तो नहीं है. फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली ट्रू. नॉट ट्रू में ना यार, ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि सम और इसको एक साथ ले लेता. मैंने आपको बोला अगर ना हो ना तो फिर ऑल और इसको ले लेते. फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट वही आपको बोला. अगर बेस्ट आंसर चॉइस अगर आप इसका बोलते ना तो होता इसमें कैन नॉट बी ट्रू में बेस्ट आंसर चॉइस था सेकंड एंड थर्ड. अगर सेकंड थर्ड होता ऑप्शन में तो ये इससे बेटर ऑप्शन है सेकंड एंड थर्ड. नहीं होने के कारण दिस इज ऑल्सो नाइस. बहुत बढ़िया दोस्तों. एक थोड़ा सा जंप लेके आपको क्लॉक का कुछ बताऊं कंसेप्ट. क्लॉक में दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बताऊं? एक तो यार वो एंगल वैंगल वाला ख्याल रख लो, वो तो बहुत छोटी सी बात है, वो थोड़ा सा तेज ही बनेगा उससे. कभी भी कुछ टाइम वाइम दिया होता है तो आपको डायरेक्टली मैं ऐसा बोल देता हूं, ये ध्यान नहीं रख लेना. ये आपका मिनट हैंड और आर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल, छोटी सी बात हो, बड़ी बात नहीं. सर एग्जांपल, जैसे यार घड़ी में 7:20 हुए हैं, रुको घड़ी है मेरे पास, तो उसके बीच में एंगल कितना होगा? कहाँ गया 12 किधर है? इधर मारो मारो आप एंगल निकालो. ये जल्दी, अरे यार कांच निकाल दिया मैंने मस्त टाइप से. ये बचा 7:20. चलो आंसर निकालो. तो आप बोलोगे सर ये रहा 30 × 7. ये पॉइंट हर जगह अवेलेबल है, मुझे सिर्फ ये नहीं बताना, मुझे कुछ और बताना है. ये तो हर जगह अवेलेबल है, तो क्या ये कुछ आपको अलग चीज बताऊंगा इसलिए आपको बोल रहा हूं. तो ये होगी 210 − 110. ऑल गुड है गाइस, ऑल गुड है. All good, good, goody है क्या? All good, 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 goody. 9:30 बज रहे हैं. 9:30 दोस्तों. 9:30 पे जरा मुझे एंगल बता दीजिए. 9:30 पे जरा एंगल बताइए. नाइन थर्टी पे फटाफट एंगल निकालेंगे दोस्तों. बहुत बढ़िया, नाइस नाइस नाइस. 9:30 पे आपने एंगल निकाला हुआ तो 9 × 3 हो गया 270 और ये हो गया 15 × 165 = 105°. ऑल गुड है, ऑल गुड है. अब जो बोलूंगा दोस्तों एकदम गौर से सुनना, ये सबको पता यार एंगल निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं. अब कुछ एक आपको ना अब असली चीज आ रहा हूं वो सुना, वो तो ठीक है सब निकाल सकते हो, सब सबको पता रहता है. यार हट, कितना बजे एक मोटर को मैं घड़ी रखा था आपके लिए, इसमें मैं इसी को पढ़ाने के लिए तो घड़ी रखा था. यार ये देखो अभी बिना कांटे की तो घड़ी नहीं थी इमेज में, तो मैं यही रखा. 3:00 रेड कलर से दिखा रहा हूं, समझ जाना ठीक है. आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है बट फिर भी. अब जो बोल रहा हूं वो सुनना, 3:00 ठीक है. जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना. थोड़ी देर के लिए घड़ी को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए घड़ी को भूल जाओ. तो किसको ले लें अपन? दो लड़कों को लेते हैं. किसको ले बताओ? गोपाल बाबू को ले लेते हैं, अर्णव को ले लेते हैं. तो ये रहा दोस्तों अर्णव, सामने की तरफ जा रहा है, और ये रहा गोपाल, सामने की तरफ जा रहा है. जी फॉर गोपाल, ए फॉर अर्णव, ठीक है. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर.
अर्णव की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, गोपाल की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। नहीं तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई कितनी देर में गोपाल जो अर्णव के बराबर पहुंच जाएगा? तो आपने देखा 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना सर? हाँ, दोनों सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड माइनस, तो हो गया 5 माइनस 3 तो हो गया 2। सर 5 घंटे लगेंगे, साथ चल रहे। सर अब आप सुनना, ये बजाय 3, नहीं इसके पहले एक और चीज बोलता हूं, याद तो समझा गया सभी को, ये बजाय 3। अब दोस्तों ये ओवरलैप ना कब बनेगा? ये ऐसे होगा ओवरलैप, ये देखो थोड़ा और अच्छा ऐसे, इसको बोलते ओवरलैप, मतलब मिनट हैंड और आर हैंड एक दूसरे के ऊपर आ जाए। अब यहां पे यार देखो आर हैंड भी तो थोड़ा इधर की तरफ आएगा, जब मिनट हैंड घूम रहा है तो थोड़ा तो इस 3 से नीचे आएगा ना आर हैंड भी। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं दोस्तों, ये स्टेटमेंट मेरे ध्यान से सुनना, अगर आप गौर से देखोगे सर, क्या मिनट और आर हैंड को अगर आप गौर से देखेंगे दोस्तों, तो इनके साथ सीन क्या है? मिनट हैंड और आर हैंड के साथ सीन ये है जी, हाँ दोस्तों, मिनट हैंड और आर हैंड के साथ सीन ये है, 1 घंटे में मिनट हैंड कवर करता है 6060 मिनट्स। आपको समझ में आया डिस्टेंस वाली फीलिंग है इसलिए मैं बोल रहा हूं 60 मिनट्स पे। एकदम सिंपल करके बताऊंगा सुनना, मैं आपको ना ऐसा बम्बार्ड नहीं करूंगा बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन से, सिंपल बताऊंगा सुनना, 1 घंटे में मिनट हैंड कितना मूव कर रहा है, ये देखो सिर्फ इस कांटे को देखो, मिनट हैंड वाले को 1 घंटे में ऐसा मूव किया, 60 मिनट मूव किया, और इसी 1 घंटे में ये आर हैंड कितना मूव किया दोस्तों, ये 3 से 4 में आ गया, अगले घंटे में 4 बज गए। ये देखो जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो है ये आर हैंड जो है ना जी, ये 1 घंटे में मूव किया 5 मिनट स्पेस। एक बार इतना अगर क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स में वो कर दो, मतलब मुझे बता दो, अगर ये छोटा सा पॉइंट क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो। मतलब अगर आप ऐसा सोचें तो मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में अगर आप सोचें तो कितना गेन किया है, कितना आगे है 1 घंटे के बाद मिनट हैंड कितना आगे दोस्तों? ये वही चीज है कि गोपाल और अर्णव के बीच में कितना डिस्टेंस था, तो अर्णव सामने खड़ा हुआ था, गोपाल यहां पे खड़ा हुआ था, दोनों के बीच में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस था, साथ चल रहे हैं आप मेरे? तो दोनों लड़कों के बीच में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस था दोस्तों, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस, राइट, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस था, जस्ट लाइक दिस। 1 घंटे के बाद मतलब दोस्तों जब मिनट हैंड ने कवर किया 60 मिनट स्पेस, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने का, दोनों के बीच में गैप कितने का, 55 मिनट स्पेस का गैप है। अब अगर मैं बोलूं यार ये 3 बजे से लेके 4 बजे के बीच में ये लोग कब मिलेंगे, तो 3 बजे पे आओ ना यार, 3 बजे की सिचुएशन क्या है, इनके बीच में कितना गैप है, गोपाल और अर्णव के बीच में कितना गैप था 10 किलोमीटर का, मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में कितना गैप है 15 मिनट स्पेस का। तो अगर 15 मिनट स्पेस का गैप है तो मिनट हैंड को कितना चलना है कि मिलेगा, गोपाल को कितना चलना था कि अर्णव से मिल जाता, बस ये रहा आंसर खत्म। तो आप ये बोलना चाहते सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और क्या, तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू 6060 इनटू 1515 डिवाइड बाय 55। ऑल गुड है, बहुत ज्यादा टफ बात बोला मैंने, मजा आया सभी को, मैं भी और एग्जांपल दे रहा हूं, सुनते जाना दोस्तों, इसको बहुत बेहतरीन जी से कनेक्ट करेंगे, डोंट टेक इट लाइटली। तो गोपाल और अर्णव आगे था, गोपाल पीछे था, अर्णव की स्पीड थी 2 किलोमीटर पर आवर, गोपाल की स्पीड कितनी थी, गोपाल की स्पीड कितनी थी, हमने कितना लिया था 5 किलोमीटर पर आवर, उसकी 3 थी इसकी 5 थी, 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना था, मिनट हैंड और आर हैंड, ये 3 बज रहा है, कब मिलेंगे, मतलब ये सिचुएशन है, कब मिलेंगे ये लोग, कब मिलेंगे? तो 60 मिनट्स में कितना गेन करता है 55, तो 15 मिनट गेन करने के लिए मिनट हैंड को, 15 मिनट स्पेस गेन करने के लिए मिनट हैंड को कितना मूव करना पड़ेगा, खत्म बात। मजा आया सभी को कि नहीं मजा आया जी, मजा आया? और आप देखो आपने कितना लिखा है, डिवाइड करो यार, कैलसी यूज करो फटाफट,
फटाफट यूज करो दोस्तों, ये मेरा भी डिवीजन देखने की जरूरत नहीं है आपको। 16 कुछ आया होगा, नहीं 3:16 कुछ आ रहा होगा, 3:16 4/11 कुछ आ रहा होगा। तो आप देखो 3:00 तकरीबन 16 मिनट्स, ये देखो घड़ी का आंट देखो, ऑल गुड है। अब भी आप देखने इसमें एक से एक नंबर आप बना दोगे। अभी मैं आप देखना 2-3 इसकी वैरायटियां कराता हूँ, आपका दिल नहीं खुश रहेगा तो आप बोलना, आपका दिल नहीं खुश रहेगा तो बोलना। ये देखो अब इसी तरह से इसको ओवरलैप लिख के रखो, भी ओवरलैप बता रहा हूँ अभी आपको मैं, लिख के रखो सभी लोग। अब आप ऐसे ही सोच के देखो, अगर 5-6 के बीच में आपसे बात करूं, 5-6 के बीच में आपसे बात करूं, तो ये रहा कांटा इधर और ये रहा 5 पे। एक्चुअली बहुत कांटे हो जा रहे हैं, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो, इसलिए मैं बता रहा हूं 5-6 के बीच में। तो यार जब आप ये कर रहे हो तो कुछ सेम ही तो है, सेम ही तो है, क्या अलग आप बताओ, अलग क्या है, अलग क्या है आप मुझे बताओ ना, इसमें अलग क्या है। 60 मिनट्स को कवर कितना करना है भाई इस बार, ये बताओ ना मुझे आप। सर ये कवर करना है यहां से, सर यहां से यहां तक, जो कि 25 मिनट है, खत्म बात, खत्म बात ना यार, बस यही तो है ना। तो जब 25 मिनट कवर करना है तो मिनट हैंड को कितना मूव करना पड़ेगा। टफ चीज बोला मैंने गाइस, मैंने टफ चीज बोला, मजा आया सभी को, अभी आपको फील आना शुरू हुआ। तो जब मिनट हैंड 60 मिनट्स कवर करता है तो 55 मिनट स्पेस इतना वो गेन करता है, तो 25 मिनट स्पेस गेन करना है बस, खत्म बात। तो मिनट हैंड को कितना मूव करना है, ट्रेडिंग 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 करें बस। अब आप देखो ये ओवरलैप निकालो, निकालो आंसर निकालो, देखो आपका आंसर देखो 5:27 के आसपास कुछ आ रहा होगा, मजा है। आपका आंसर 5:27 के आसपास कुछ आ रहा होगा, अच्छा लगा जी आपको कि नहीं, मस्त लगा। कुछ बहुत टफ चीज बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ बोल रहा हूँ जो समझ में नहीं आ रहा, ऐसा खतरनाक खूंखार कुछ बोल रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगा चलो और ले लो, एक सवाल और ले लो, मैं इसमें और एक वैरायटी बताऊंगा अभी, डोंट मैस इट अप। अब कॉमन सेंस लगाना, भी कॉमन सेंस लगाना फिर से। सर कैसे, थोड़ा टफ कर रहा हूँ इसको, ये बज रहे 9 सुबह के, रात के उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये बज रहे 9, ये बज रहे 9। तो यार जब 9-10 के बीच में आपसे बोल रहा है तो भाई साहब सिंपल है ना, ये कि टफ है। ये रहा सर 55, ये रहा 60, 9-10 के बीच में कितना गैप है जो कवर करना मेरे टैंड को दोस्तों। तो आप बोलोगे सर 9-10 के बीच में 45 मिनट्स स्पेस बस, ये रहा। क्या लड़कों अब ये मत बोलना यार, ये तो एकदम इम्पॉसिबल है, कम ऑन यार, अब ऐसा भी मतलब जाती मत करना। आंसर बोलो भी, आंसर बोलो भी, आंसर बोलो, टाइम पास मत करो। मजा आया, मजा आया सभी को कि नहीं। 9:49 कुछ ऐसा आ रहा है, देखो आप भी खुद देखो ना, मजा आया सभी को। आंसर बोलो सभी लोग, क्या लिखे हो, नहीं ये 9 वाले का, 9-10 के बीच वाले का, 9:49 के आसपास मेरे ख्याल है कुछ आप लोग का आंसर आया होगा। बस मस्त मजा आया, मस्त मजा आया, मस्त मजा आया। स्टॉप, इसको छोटा सा, इस पॉइंट थोड़ी सी बात और बोलता हूँ, देखो आपको ठीक लगता है तो सही है, नहीं तो फिर नहीं ठीक लगेगा तो नहीं बोलूंगा, कुछ ड्रॉप कर दूंगा। जब मैंने आपको ओवरलैप बोला तो बेसिकली हमने किया क्या, सर ये रहा 55-60, हाँ बताइए मिनट हैंड कितना मूव हुआ है, उस हिसाब से कितना मूव करना, बस ये देखा, गौर से देखना दोस्तों। अगर तो ओवरलैप का मतलब बेसिकली 0 डिग्री। भाई साहब अगर इसे मैं ऑपोजिट पूछ लूं तो मतलब दोनों के बीच में 180 डिग्री। कोई टफ नहीं है, कोई भी टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं इसमें। कैसे, ये लो, डोंट मैस इट अप, सुनना मेरी बात, एक बार में सब कनेक्ट हो जाएगा। ये बज रहे 7-8 के बीच में देख लेते, चलो ये बज रहे 7, बज रहे 7, राइट।
तीन नंबर से, चार नंबर से इंपॉर्टेंट होता है घड़ी में, फोकस करना जो बात बोल रहा हूँ दोस्तों, बाकी आपको सोने जाने का मन करे तो सो जाना, मुझे 5-10 मिनट लगेगा। चार नंबर से इंपॉर्टेंट होते हैं, होता है 12, 3, 6 और 9। जब 7 बज रहा है तो मिनट हैंड यहां पे और आर हैंड यहां पे, राइट। ये चार रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं। अब आप थोड़ा सा लॉजिकली खुद भी सोचो, 180 डिग्री का मतलब सीधी सीधी लाइन ये, और आपको सीधी लाइन देखने में प्रॉब्लम हो तो आप इतना तो देख सकते हो ना कि 6 से 1 स्टेप इधर तो 12 से 1 स्टेप इधर। कैसा लगा पॉइंट, कैसा लगा पॉइंट, आपने सुना मैंने क्या कहा दोस्तों? 6 से 1 स्टेप इधर तो 12 से 1, खत्म बात यार, दैट्स इट मैन, दैट्स इट। अगर आप ये सोचते हो कि 7 से बराबर बराबर ना, अरे कौन नाप रहा है भाई इतना, पगला उगला जाएगा व्यक्ति ऐसे। तो आपने सुना मैंने क्या कहा, चार रेफरेंस पॉइंट्स, 12, 3, 6, 9, दैट्स इट, दैट्स इट। 6 से 1 स्टेप इधर, 12 से 1 स्टेप इधर, खत्म। अब ये कितना है ये बता दो ना, मिनट हैंड को यहां पे पहुंचना है 5 मिनट। अरे यार तो ये रहा 55, ये रहा 60, ये रहा 5, ये रहा x। आंसर मार दो, आंसर आ चुका है। मजा आया सभी को, मजा आया सभी को, बेहतरीन तरीके से मजा आया, नहीं मजा आया जी। तो मिनट हैंड को अल्टीमेटली कहां तक जाना है, 5 मिनट ही तो कवर करना है यार। तो ये रहा x की वैल्यू 5 × 60/55। कैसा लगा पॉइंट, कैसा लगा पॉइंट सभी को जी? मारियो टाइम बताइए, 7:05 कुछ आ रहा होगा, ऐसा कुछ आ रहा होगा। ये जो मैंने चार रेफरेंस पॉइंट बोला ना, वहीं पे कंसेप्ट खत्म हुआ है, समझ रहे आप दोस्तों मेरी बात? तो 7:05 कुछ आ रहा होगा आपका, वो 5:45 ठीक है, उतना निकाल लीजिए स्पेसिफिक। सर एक बात आई, अगर दोपहर के या दोपहर के 3 बज रहे होते तो आपके लिए मैं जानबूझ के अलग अलग टाइम ले रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। ये देखो 3 बज रहा है, ओवरलैप का कंसेप्ट तो आपने देख लिया था। अब 180 डिग्री कैसे हो गई, देखो ऐसा कुछ, साथ चल रहे नहीं चल रहे दोस्तों, साथ चल रहे नहीं चल रहे, नहीं साथ चल रहे नहीं। ओवरलैप तो ऐसे होगा भाई, और कैसे होगा ओवरलैप, तो ऐसे होगा। यस ओवरलैप कहता हूँ, ऑपोजिट, ओवरलैप नहीं सॉरी ऑपोजिट। कैसे कैसे मैंने करने बोला आपको, 1, 2, 3, 4 ये बजा 3। तो यार ऑपोजिट ना, ये जैसे इधर कहीं पे कांटा आएगा, कैसे पता चला सर? यार आर हैंड जो है जब 3 बज रहे हैं दोपहर के, आप ना आर पे ध्यान दो, आर पे जब दोपहर के 3 बजे तो ये अगले घंटे में आर हैंड पहुंचेगा 4 पे, ऑपोजिट चाहिए ना। तो 3 से 1 इधर तो 9 से 1 इधर, खत्म बात। वाह जी वाह, तो अल्टीमेटली 45 मिनट्स की जर्नी को कवर करना है। तो ये ना दोस्तों 55, 60, 45, ये रहा x। मजा आया आप सभी को, बेहतरीन तरीके से मजा आया, सुपर तरीके से मजा आया कि नहीं? मैं इसमें आपको काफी वेराइटियां करा सकता हूँ, लेकिन अब एकदम टू मच इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, तो आई थिंक दिस मच इज ओके। मजा है सभी को दोस्तों, सभी लोग वैल्यू वैल्यू निकाल दीजिए खुद से, मस्त मजा आया, मस्त से मजा आया कि नहीं? अब देखो इसको आप करोगे तो 49 कुछ आ रहा होगा आपका, ये देखो आप खुद ही ऐसा कुछ आ रहा होगा। कौन से लगे 3 यार, ये रहा ऐसा, ये देखो 3:50 या 3:49 कुछ ऐसा आ रहा होगा। कैसा लगा लेकिन पॉइंट आपको, अच्छा लगा, मस्त मजा आया? तो आपके पेपर में ना ये ओवरलैप वाली चीज आई थी, तो मैंने मतलब ओवरलैप वाली चीज इंपॉर्टेंट भी होता है, तो मैंने आपको इसलिए ओवरलैप और 180 डिग्री दोनों इसलिए बताया। गाइस ऑल गुड, मजा आया सभी को,
दोस्तों यहाँ तक कि मजा आया तभी को। एक घड़ी मैंने ऐसे काफी सारी रखा था, मुझे लगा था कि जरूरत पड़ सकती है। इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन मैंने अभी अलग अलग डिस्कशन सेशन में कराए। आपको मजा आया जितनी भी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस किया दोस्तों, इज इट ऑल गुड? सभी को मस्ट टाइप से मजा आया कि नहीं? दोस्तों दो चीजें कल मैं आप लोगों से मिलूंगा इस सेशन में, ज्यादा नहीं 20 से 30 मिनट का सेशन रहेगा। अगर आपको लगेगा तो जरूर उसमें अटेंड कीजिए, कुछ ना कुछ बेहतरीन डिस्कस करेंगे, आपको ये प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है? और ये दो सेशंस जो मैंने डिस्कस किए थे ये आपको जरूर से देख के जाना है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। कहाँ पे मिलेगा सर मुझे? FT एक्सप्रेस में। ये दो सेशंस जो मैंने पिछले सेशन में तो कल लिया था और एक अभी जो लिया है, कल मतलब बीते कल जो लिया है, जो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे जो थोड़ा सा भी अभी फॉलो कर सकते हैं वीडियो को, देखने का टाइम होगा तो जरूर से इनको देखिएगा, जरूर से कम से कम दो देखेंगे तो आपको काफी फर्क पड़ जाएगा। मैंने ज्यादातर क्वेश्चन की डिस्कशन ले लिया। अपने जूनियर्स को दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा बैच जो आ रहा है अनअकैडमी का 2024 एंड 25 वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो आ रहा है 19 February को शाम को 4 बजे से। तो अपने जूनियर्स को अगर आपको मजा आता है पढ़ने में तो ये कोड लगाने बोल सकते हैं ST26, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा और कोई है नहीं अपने जाने के लिए, ठीक है? तो ये बता सकते हैं और अभी बेहतरीन तरीके से कोड लगा सकते हैं 19 February को मैं उनसे मिलूंगा, ये कोड लगा सकते हैं ST मतलब मैं सौरभ ठाकुर 26 है, ठीक है दोस्तों? और अभी मस्त तरीके से पेपर देखे आइए, फिर अपन रैंक प्रेडिक्टर में अपन देखेंगे। मैं सैटरडे को रात को मिलूंगा वैसे नहीं बिचवेस आपके साथ डिस्कशन करने के लिए। अनअकैडमी का जो ऑफलाइन सेंटर खुल रहा है वो दिल्ली में खुल रहा है, तो अगर आप एक बार चाहें तो विजिट भी कर सकते हैं। और इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज आपको मस्ट टाइप से मिलेंगे, और अपने जूनियर्स को आप बोल सकते हैं ये कोड यूज़ करने के लिए, आपको ही बताना पड़ेगा भाई, ठीक है दोस्तों? और ये अनअकैडमी दो सब्सक्रिप्शन होते हैं, प्लस और आइकॉनिक पर्सनल कोच डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन। इसका मतलब जो होता है वो ये होता है कि आपको जितने भी कुछ चाहिए सब कुछ प्रोवाइड होगा। वो क्लासेस हैं, क्लास लाइव हमने लिया उसके बावजूद वहाँ पे रखी हुई है, आप आराम से देखिए 500 बार देखिए, जो आपको क्वेश्चन चाहिए सब कुछ चाहिए, सब कुछ प्रोवाइडेड रहेगा, सब कुछ प्रोवाइडेड रहता है कुल मिला के, ठीक है दोस्तों? इसके अलावा बहुत सारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, जस्ट की बनाया हम दिस, तो एक बार इसको सॉरी आगे पीछे चला गया था, तो एक बार इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा सारे के सारे कोर्सेज के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अभी ना शायद कई बार आपको लगता होगा कि यार मैं पता नहीं क्यों ऐसा खराब सा फील कर रहा हूँ, अच्छा फील क्यों नहीं कर रहा हूँ, डर क्यों रहा हूँ, ये आपको हमेशा फील होगा और सभी को फील होता है दोस्तों। ऑर्डर इज द ड्रीम ऑफ मैन, इट इज अ क्योस दैट इज लॉ ऑफ नेचर। तो आप और मैं हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज चाहते हैं, नेचर चाहता है कि नहीं भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो कुल मिला के हमको छोटी छोटी चीज़ों से ऊपर उठ जाना दोस्तों, वी शुड राइज अबव दीज लिटिल थिंग्स। मेक श्योर कीजिए कि बेहतरीन तरीके से एफर्ट दें, सुपर तरीके से एफर्ट दें। आपको अपने में प्राउड होना चाहिए, लाइफ इन्हीं सारे मोमेंट से मिलकर बनी हुई है। आपने इसके पहले लाइफ में अच्छा किया हो चाहे नहीं किया कोई बात नहीं, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, आज नहीं तो कल कट जाएगी। तो जितने भी लोग हैं अभी अभी ना प्रेजेंट टाइम पे फोकस कीजिएगा, जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है इन हैंड उससे फोकस कीजिएगा, बाकी पास्ट के बारे में फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ों के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मस्त तरीके से एफर्ट दीजिएगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर मजेदार जाए, और फिर मैं आपसे सैटरडे को मिलूंगा शाम में पेपर कैसा गया इस फिर डिस्कस करने के लिए, ठीक है दोस्तों? सैटरडे को हम लोग मिलेंगे रात को 11 बजे। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, मस्त से फोड़िए, मदमस्त होकर पेपर दीजिए। जाने के पहले कॉमेंट बॉक्स में एक लाइन जरूर लिखते जाएंगे, आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स, मस्त तरीके से लिखिएगा। पेपर के बाद फिर आपसे मिलता हूँ। कल रात को एक छोटा सेशन है दोस्तों, कुछ आपको बहुत बेहतरीन पॉजिटिव चीज पे सेशन लूंगा, 20 मिनट के आसपास लूंगा सेशन, 20 से 30 मिनट दैट्स इट, लास्ट हफ्ते जैसे लिया था ठीक वैसे, ठीक है दोस्तों? तो एक बार कल मिलूंगा फिर उसका पेपर के बाद। बाय बड़ी, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।